हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में फोर्सेस ऑन मूविंग चार्जेस कैलकुलेट किए थे। मैग्नेटिक फील्ड में जब एक मूविंग चार्ज को हम रखते हैं तो फिर वो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो पार्ट हमने सीखा था। अब उसी का कंटिन्यूएशन है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। जब भी किसी वायर में अगर करंट फ्लो करता है और उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग वायर का मतलब ये है कि चार्जेस मूव कर रहे हैं उसके अंदर, एंड मूविंग चार्जेस पे तो फोर्स लगना है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे और वो एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो है वो हमें रिजल्ट की तरह याद भी रखनी है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, किसी भी आर्बिट्री शेप का हम कंसिडर कर लेते हैं, कोई पर्टिकुलर शेप सोच समझ के नहीं बना रहा, ये कोई भी आर्बिट्री शेप का मैंने करंट कैरिंग वायर ले रखा है। एंड इस करंट कैरिंग वायर में मान लेते हैं कि हमारा करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा है, आई करंट इज फ्लोइंग ओवर। एंड इसको अपने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड को भी कुछ डायरेक्शन में मान लेते हैं, ये हो सकता है यूनिफॉर्म फील्ड हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, किसी भी तरह का फील्ड में रख सकते हैं आप इसको। तो ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस वायर के लिए मान लो कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है, वायर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एन, मान लेते हैं स्मॉल एन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड वाई एंड क्रॉस सेक्शन भी मान लेते हैं इसका, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए मान लिया, ठीक है। अब इस पे हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड में कितनी लगेगी। तो एक छोटे से एलिमेंटल सेक्शन की इसकी बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये एक छोटा सेक्शन है, बीच में दिखा रहे हैं, इस छोटे सेक्शन का लेंथ मान लेते हैं डीएल है, और इसको हम थोड़ा सा एग्जैजरेट करके ड्रॉ करते हैं, फिर से रीड्रॉ करेंगे इसको। तो वायर हमें थोड़ा मोटा ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये देखो ये वायर है, इसकी लेंथ को मैं डीएल मान रहा हूँ, लेट अस से दिस लेंथ इज डीएल, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से मूव करते हैं कंडक्टर के अलोंग, लेंथ के अलोंग, उसको कौन सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद है आपको। यस सर, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट ये फ्लो कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट, है ना। इसको वीडी दिखा सकते हैं ऐसे, राइट। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ है, ठीक है, दिस इज बी, एंड ये मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ इसकी एंगल जो बन रही है वो थीटा बन रही है। तो इस बी के हम दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, एक आपका इधर का कंपोनेंट बी कॉस थीटा, अगर आप देखोगे तो ये वेलोसिटी के साथ एंटी पैरेलल आ रही है, दिख रही है आपको इस डायग्राम में, दिख रही है। यस सर, तो बी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से क्या कोई मैग्नेटिक फोर्स आया ना है? वी और बी पैरेलल अगर हो गए तो नो सर, नहीं नो आएगा, सर, इसीलिए ये बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हमारे किसी काम का नहीं है, दिस इज ऑफ नो यूज, ऑफ नो यू, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर वायर के लेंथ के अलोंग है तो उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकती है। तो हमारे काम का फील्ड कौन सा है, सिर्फ बी साइन थीटा, जिसको हम बी परपेंडिकुलर की तरह यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, बी परपेंडिकुलर, तो ये हमारे काम का है। अब इसके अकॉर्डिंग क्यू इंटू वी क्रॉस बी, एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लगा के देखो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे क्यू इंटू वी क्रॉस बी लगा के देखो, वी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है मतलब स्लांट में डाउनवर्ड की तरफ, एंड बी जो है वो ऊपर की तरफ स्लांट में अपवर्ड्स की तरफ है। तो V क्रॉस B अगर करोगे तो इनवर्ड्स आएगा, दिख रहा है आपको, V क्रॉस B करने से इनवर्ड्स आ रहा है, प्लेन के इनवर्ड्स दिख रही है सबको। एंड सिंस ये नेगेटिव चार्जेस हैं तो उसमें V क्रॉस B का नेगेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा ना, राइट। और ये तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप कर रहे हो, बट इस एलिमेंटल लेंथ के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन तो वही है। तो इसीलिए जो फोर्स का डायरेक्शन हम दिखाएंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डॉट बना के बाहर की तरफ दिखा रहा हूँ, दैट इज इंडिकेटिंग कि फोर्सेस आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। अब इस डीएफ का एक्सप्रेशन को हमें फाइंड आउट करना है, सो डीएफ की एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, दिस डीएफ वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए पहले लिखे तो ई इंटू वी क्रॉस बी, सो वी क्रॉस बी में वी डी इंटू बी साइन थीटा आ गया,
ये हो गया क्यूबीबी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे। यहाँ पे इस पूरे लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें एन दे रखा था, एन इसका वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा ए इंटू डीएल। देखो समझ आ रही है क्या आपको, समझ आई है? Yes, sir. ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशन को रीअरेंज करें एक बार, तो देखो हमारे पास क्या आ रही है, एन ई इंटू वी डी इंटू ए इंटू डी एल इंटू बी साइन थीटा, डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स। दिख रही है सबको, क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी ये जो एन ई वी डी ए है ये क्या है, करंट है ना? तो इसको लिख सकते थे करंट इंटू डी एल इंटू बी साइन थीटा, और ये डायरेक्शन है बाहर की तरफ। ठीक है, अब जो फोर्स का एक्सप्रेशन है उसको निकालने का एक आसान तरीका ये दिख रहा है कि अब हम इस तरह से इंडिविजुअल एक एक इलेक्ट्रॉन पे नहीं निकाल के अब एक आसान काम कर सकते थे। क्या काम करना है आपको कि देखो करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, करंट इज अ स्केलर। डीएल जो लेंथ दिखा रखा है लेंथ की तरह वो भी एक स्केलर है, बट करंट के डायरेक्शन में अगर हम लेंथ चूज करें तो वो वेक्टर हो जाएगा या नहीं? करंट तो आपका किस तरह फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर मैं डायरेक्शन मार्क करूं तब तो वो वेक्टर हो जाएगा ना, है ना? Yes. समझ आ रही है? फिर उस वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है, देखो थीटा है ना, दिख रहा है आपको? डीएल जो एरो मार्क किया, देखो डीएल जो एरो मार्क किया है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल देखो कितना है, थीटा दिख रहा है आपको? दिख रहा है? तो डीएल जो एरो मार्क किया है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा है। तो हमने क्या किया, आईडीएल को एक नया वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, आईडीएल को एक नया वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम करंट एलिमेंट कहते हैं। करंट एलिमेंट जब भी बोले तो यू आर सपोज टू ट्रीट अ स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अ स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड इस क्वांटिटी को आप जब फाइंड आउट करोगे तो करंट और लेंथ के मल्टीप्लीकेशन से आपको मिलेगा। तो ये वाली जो क्वांटिटी हियर आई इंटू डी एल वेक्टर, ये वाली क्वांटिटी को हम कह रहे हैं दिस इज करंट एलिमेंट, इट्स अ वेक्टर पॉइंटिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पॉइंटिंग अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो अभी हम क्या करें, डीएफ की वैल्यू को अब हम ऐसे लिख रहे हैं, दिस इज आईडीएल एंड क्रॉस ऑफ बी, ऐसा कर सकते थे ना? क्यों? क्योंकि आईडीएल वेक्टर और बी के बीच में एंगल थीटा था तो इसलिए उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करते तो आईडीएल बी साइन थीटा ही आता। आप देखो डायरेक्शन भी मैच कर रहा है, अगर डायरेक्शन देखोगे तो ये सोच के देखो इस छोटे से एलिमेंटल लेंथ में, यहाँ पे देखो ये, इसको अगर मैं आईडीएल की तरह दिखाता और ये देखो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी और इनके बीच में ये एंगल थीटा, तो देखो आईडीएल क्रॉस बी करो, देखो बाहर आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes. आ रही है? तो बाहर आना भी चाहिए था क्योंकि हमने वो एक एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल के भी देखा था वो बाहर आ रहा था, तो इसीलिए इसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं आपका डायरेक्शन भी मैच करेगा, तो इसीलिए हमारा कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट बन चुका है। सो देयरफॉर नेट फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको इसी टर्म को इंटीग्रेट कर लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ करनी है एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ आईडीएल एंड क्रॉस ऑफ बी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गई, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, याद रहना है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें जो आपको मेजोरिटी केसेस में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो यूनिफॉर्म फील्ड के मिलेंगे, इवन दो मैंने डिराइव किया है वेरिएबल फील्ड के लिए डिराइव किया है, बट आपको जो मेजोरिटी केसेस में मिलने हैं वो यूनिफॉर्म फील्ड के मिलने हैं। तो ये इसको एक स्पेशल केस की तरह मैं दिखा रहा हूं, स्पेशल केस, स्पेशल केसेस अगर वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड है, वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म बी वेक्टर, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है क्या? तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा था आईडीएल क्रॉस बी, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ब्रेक करो, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ आईडीएल, इसको बाहर निकाल लिया, क्रॉस बी कर लिया, समझ आई आपको?
यस सर. ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ आइडियल को हम कैसे देखेंगे? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ आइडियल? इसको करने के लिए पहले आपको एक छोटी सी चीज रिवाइज करवाता हूं. जैसे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, ये एक वेक्टर है सी वेक्टर. अगर आपको पूछे ए प्लस बी प्लस सी कितनी है, तो आप क्या करोगे? इनिशियल के टेल से फाइनल के हेड को कनेक्ट करोगे, ये करोगे ना? यस. दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, राइट? सिमिलर तरीके से सोचो कि अगर आपको एक करंट कैरिंग वायर किसी ने दे रखा है, ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, दिस इज आई. तो इसमें अगर हम छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे वेक्टर्स में डिवाइड करें, तो ये देखो, ये है आइडियल, ये है आइडियल, ये है आइडियल. ऐसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वेक्टर्स हैं, सारे हेड टू टेल जुड़े हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. और इनका जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? एडिशन ही तो कर रहे हैं ना, कर रहे नहीं कर रहे? Yes, sir. तो जब आप इंटीग्रेट करोगे इनको तो क्या मिलेगा? इनिशियल के टेल से फाइनल के हेड को एक लाइन कनेक्ट कर दिया, क्या ये वाली लाइन मिल जाएगी? ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ आइडियल हो जाएगी. समझ आ रही है? Yes, sir. इसका मतलब कोई भी आर्बिट्री शेप का अगर कंडक्टर दे रखा है आपको, कोई भी आर्बिट्री शेप का कंडक्टर, तो उस आर्बिट्री शेप के कंडक्टर के जो दो एंड्स हैं, उन दोनों एंड्स के बीच में आप एक स्ट्रेट कंडक्टर कनेक्ट कर दो और उसके बाद उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर लो, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. आपको समझ आई क्या बोला मैंने? Yes, sir. Did you understand? तो इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, दिस इज आई इनटू एल वेक्टर लिख सकते हो, जहां पे एल वेक्टर इज लाइन कनेक्टिंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. समझ आई आपको? तो अब देखो, अब मान लो कि आपके पास ऐसा सिचुएशन उसने दे रखा है, जैसे तो अब मान लो कि अगर ऐसा सिचुएशन दे रखा है उसने, ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, एंड मान लो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दे रखा है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो स्पेसिंग आपकी कांस्टेंट रहेगी, स्पेसिंग आप चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, इसके ऊपर अपने को फोर्स कैलकुलेट करने का है, फोर्स कितनी आएगी. तो हमें इस सिचुएशन को क्या करना है? वी आर सपोज टू एनालाइज दिस एज इक्विवेलेंट टू, इसको एक बार फिर से रीड्रॉ कर देता हूं. इसको वायर को मैं रहने दे रहा हूं, बस डॉटेड कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि इसी का ही रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम. अब आप क्या करो, यहां से यहां के बीच में एक वायर कनेक्ट कर दो, दो एंड्स के बीच में, और यहां पे आप दिखा दो कि करंट आई फ्लो कर रही है, और इन दोनों के बीच का जो भी लेंथ होगा इस लेंथ को हम लोग एल मान लेंगे, दिस लेंथ इज एल. तो अभी आपको क्या सिखाया था? बी के कंपोनेंट ब्रेक करो या यू नो एल के कंपोनेंट ब्रेक करो, कोई भी एक बात करोगे सेम ही चीज होगा. तो अगर आप इस लेंथ के अगर कंपोनेंट ही ब्रेक करते, ये देखो करंट कैरिंग वायर, उसका जो करंट एलिमेंट दिखा रखा था उसका कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं आप. तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो करंट एलिमेंट का एंगल था, इसको थीटा मान लें, तो इस तरफ का जो कंपोनेंट आ जाना है, दैट इज आई इनटू एल एंड इनटू साइन थीटा, होगा ना करंट एलिमेंट के लिए. देखो तो चेक करो, दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आई एल साइन थीटा पे ही फोर्स लगेगा, क्योंकि आई एल कॉस थीटा अगर देखोगे तो बी के साथ पैरेलल हो जाएगा. ये वाली जो आ रही है, दिस इज आई एल कॉस थीटा, इसके साथ तो कोई काम नहीं है, सो दिस इज ऑफ नो यूज फॉर अस. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आई एल साइन थीटा का ही काम है. तो आई एल साइन थीटा के साथ बी के साथ एंगल देखो 90 डिग्री आ रही है, तो एल क्रॉस बी कर लो ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगनी है दैट फोर्स विल बी आउट ऑफ द प्लेन, सो दिस विल बी एफ. And this F will be
I into L sin theta and that multiplied with B omega. समझ आई आपको? समझ आई है? Yes sir. So length का वो component आप ले लेंगे जो perpendicular to magnetic field है and उसके बाद फिर just ILB कर लेना, ठीक है? इसको बहुत लोग ILB की तरह याद रखते हैं, तो ILB में ये याद रखना कि L और B mutually perpendicular होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है? Yes sir. ठीक है. इसी में जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो दो वायर के जो दो फ्री एंड्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैटर करता है, सिर्फ टोटल लेंथ कितना है ये मैटर नहीं करता. तो अगर वो दोनों फ्री एंड्स को अगर हम एक दूसरे के पास लाएं तो मैग्नेटिक फोर्स घटता जाएगा, होगा ही नहीं होगा? अगर दो एंड्स को पकड़ के हम उन दोनों को पास लेके आए तो दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस अगर घटता जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी तो घटता जाएगा, राइट? अगर दोनों एंड को एक जगह पे चिपका दिया तो क्या होगा? दोनों एंड को एक ही जगह पे चिपका दिया तो क्या होगा? अब दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? जीरो हो गया ना. और दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस अगर एक मिनट से स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई. तो दो एंड को अगर आप मिला दोगे तो दोनों एंड को मिलाने से एक क्लोज लूप बन जाएगी, और वो क्लोज लूप में किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे अगर दूसरा वहीं घुस गया है तो फिर यहाँ पे तो सिर्फ दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस ही मैटर करता था. दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस अगर जीरो कर दिया आपने तो फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी ना. समझ आ रही है? सो दो एंड के बीच का जो लेंथ है बस वही मैटर करता है. दो एंड के बीच का लेंथ, स्ट्रेट लाइन वाला लेंथ, बस वही मैटर करता है. बट ये यूनिफॉर्म फील्ड में ही ध्यान रखिएगा. इसको मैं लिख दे रहा हूं फिर ध्यान रखने के लिए. एज इन अ यूनिफॉर्म फील्ड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्री एंड्स मैटर ओनली. Thus, if the two free ends are brought at same place to form a closed loop, then net magnetic force on it becomes zero. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. नेट मैग्नेटिक फोर्स किसी क्लोज लूप पे आप अगर कैलकुलेट करते हो, क्लोज लूप पे नेट मैग्नेटिक फोर्स आपको हमेशा ही जीरो मिलना है अगर वो यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस कर रखा है. नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हैं. दिस इज इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, इसको ध्यान रखिएगा. मतलब अगर आपको ऐसा सिनेरियो अगर दिखता है, कोई भी ऐसा सिनेरियो दिख रहा है, यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट हमने आई दिखा रखा है. अब मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी ओरिएंटेशन ले लो, कुछ भी ओरिएंटेशन ले लो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही देख लिया, ये मैटर नहीं करता. इसमें अगर नेट फोर्स निकालोगे जीरो ही आएगा, ठीक है? नेट फोर्स जीरो आएगा, बट एक चीज अगर आप इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे, जैसे छोटे छोटे एलिमेंटल लेंथ पे इसमें सोचो, एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लो, जैसे यहाँ पे अगर एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लिया, इसको मान लेते हैं आइडियल करंट एलिमेंट है, तो आइडियल करंट एलिमेंट के ऊपर फोर्स अगर निकालोगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड मैंने अंदर लिया तो डीएल क्रॉस बी करो, देखो ये बाहर की तरफ आएगा, देखो ये डीएफ बाहर आ रहा है, दिख रही है आपको? Yes. वैसे ही अगर यहाँ पे अगर एक छोटा सा करंट एलिमेंट चूज किया, इसको आइडियल चूज कर रहे हैं, इसमें भी डीएल क्रॉस बी निकालो, देखो बाहर की तरफ ही आएगा, दिस इज अगेन डीएफ बाहर की तरफ. तो ऐसे छोटे छोटे करंट एलिमेंट में अगर हम बात करें, आइडियल अगर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे करंट एलिमेंट डिवाइड करें तो सब पे जो फोर्स आ रही है वो परपेंडिकुलर टू लेंथ बाहर की तरफ ही आ रही है. तो इस लूप का शेप चेंज होगा क्या? होगा ही नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? Yes, sir, होगा. आप देखो ये लूप में चारों तरफ से देखो बाहर से स्ट्रेचिंग फोर्सेस लग रहे हैं. नेट फोर्स जीरो है बट स्ट्रेचिंग फोर्स तो है ना, है ना? Yes, तो इसकी वजह से ये शेप क्या अक्वायर करेगा? सर्कुलर.
तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा कि ये सर्कुलर शेप अक्वायर कर लेगा. सो इफ द लूप इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी होगा. इफ द लूप इज फ्लेक्सिबल, it will acquire a circular shape at steady state. मतलब जब वापस से और कोई changes आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है? तो उसमें अगर मैं diagram redraw करूँ तो कैसा दिखना चाहिए मुझे? जैसे ये circular shape acquire कर चुका है and magnetic field हमारा अंदर की तरफ था. इसमें करंट हमने इधर दिखा रखा था. अब इसमें मान लो कि अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि बताओ इसमें सर्कुलर शेप का जब अक्वायर कर चुका है तो इसमें टेंशन कितनी जनरेट हो रही है? टेंशन तो जनरेट होगी ही होगी, होगी नहीं टेंशन जनरेट? आप छोटे छोटे एलिमेंट में अगर देखोगे तो हर जगह तो स्ट्रेचिंग फोर्स बाहर की तरफ लगी रही है, लग रही है ना? हाँ, देखो चारों तरफ से ही अगर आप देखोगे तो वो स्ट्रेचिंग फोर्स तो लगी रही है चारों तरफ से, और इसीलिए इसमें टेंशन तो आना ही है. इसमें कोई डाउट नहीं है कि टेंशन होगा. तो आपसे यही पूछते हैं कि बताओ इसमें टेंशन कितनी जनरेट हो रही है? व्हाट इज द टेंशन जनरेटेड इन द लूप? लूप में टेंशन कितनी जनरेट हो रही है वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, जैसे एक हाफ का, एक हाफ ऑफ लूप का फ्री बॉडी डायग्राम जस्ट ड्रॉ कर लेते हैं. जस्ट वन हाफ ऑफ डायग्राम, वन हाफ ऑफ लूप, कंसिडरिंग वन हाफ, वन हाफ ऑफ लूप. यह है एक हाफ, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है एंड मैग्नेटिक फील्ड हमें अंदर की तरफ दे रखा है. आपको याद है क्या सीखा था आपने इस तरह के सिचुएशन में? मैं क्या करना चाहिए? दोनों एंड के बीच का एंड टू एंड डिस्टेंस ही मैटर करता है, है ना? यस यस. तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? 2R, है ना? तो इस पे जब हम फोर्स दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे हम? आईडीएल क्रॉस बी में करंट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. So, अपना फिंगर जो है आई एल क्रॉस बी यूज करने के लिए राइट की तरफ रखा है एंड बी अंदर की तरफ. तो एल क्रॉस बी करोगे देखो ऊपर की तरफ आ रहा डायरेक्शन, दिख रहा है आपको? यस. एंड दिस फोर्स इज कमिंग आउट टू बी आई इनटू लेंथ इज 2R इनटू फील्ड व्हिच इज बी. समझ आई आपको? और इनको बैलेंस कौन करेगा? देखो यहाँ पे जो दो हाफ था उन हाफ का टेंशन तो आएगा ना, यहाँ पे आएगा. एक हाफ दूसरे हाफ से कनेक्टेड है, उसको मैंने एक हाफ का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया तो दूसरा हाफ पहले हाफ को तो पुल कर रहा होगा ना इन स्ट्रेचिंग फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए. समझ आ रही है? यस सर. तो इक्वेशन क्या आएगा आपके पास इक्विलिब्रियम में? 2t हैज टू बी इक्वल टू i इनटू 2r इनटू b. ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया एंड टेंशन की वैल्यू आ गई है. दिस कमिंग आउट टू बी BIR. तो टेंशन इज BIR. ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखते हैं, ठीक है? कि अगर एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस आपको r दे रखी है, सर्कुलर लूप रेडियस r की, एंड उसको अगर आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप रखा हुआ है तो उसमें एक टेंशन जनरेट होगी BIR की. टेंशन जनरेट हुई है, नेट फोर्स अभी भी जीरो है, ठीक है ना? इसका ध्यान रखना. ये नहीं सोचना कि नेट फोर्स जीरो था तो फिर टेंशन कैसे जनरेट हुआ. टेंशन होना ये तो स्ट्रेचिंग फोर्सेस की वजह से है. नेट फोर्स देखोगे वेक्टर सम सारे फोर्सेस का तो वो जीरो ही आएगा, ठीक है? सबको समझ आई है? यस सर. ठीक है, छोटे छोटे कुछ एक एप्लीकेशन करके देखते हैं. अरे कैसे शेयरिंग में देखें, एक एप्लीकेशन देखते हैं. मान लो ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर का एंड ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर का एंड इसमें करंट हमारा 2 एम्पीयर का फ्लो कर रहा है. हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द डायग्राम
एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इन मैग्नीट्यूड दिस इज से 5 माइक्रो टेस्ला एंड आपसे पूछा है ये वायर को अगर नाम दे देते हैं ए सी डी तो फोर्स ऑन ए सी डी ये कितनी आएगी आपसे ये पूछा है निकाल सकते हैं इसे हमें क्या करना है यहाँ पे सर 0.3 माइक्रो अच्छा ये 4 मीटर नहीं है 4 सेंटीमीटर लिखिएगा ठीक है 4 सेंटीमीटर ये दिस विल बी सेंटीमीटर तो सबसे पहला चीज हमें क्या करना है स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग ए एंड डी कनेक्ट करना है ना ये करना ना हमें ए से डी के बीच में ए से डी के बीच में स्ट्रेट लाइन एंड ये लेंथ कितना हो गया 3 सेंटीमीटर 3 एंड मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ तो डीएल क्रॉस बी करो ये ऊपर की तरफ आएगा सो दिस इज फोर्स एंड दैट फोर्स विल बी आई करंट इज आई एल बी कर लेते हैं लेंथ ऑफ ए डी एंड इनटू बी करना है सो आई इज 2 एम्पियर लेंथ इज 3/100 एंड इनटू बी व्हिच इज 5 माइक्रो टेस्ला माइक्रो मतलब 10^-6 हो जाएगा So this becomes 5 3 is 15, 15 into 2 is 30. 30 into 10 to the power minus 8 Newton ka force hai. Clear hai? Yes, sir. Yes, sir. Ek aur try karte hain. इसमें मान लेते करंट आई फ्लो कर रही है लेट अस नेम देम ए बी सी एंड डी ये जो पूरा का पूरा लूप है यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस्ड है लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड It is known that force experienced by BC, CD, and DA are F1, F2, and F3. Find the magnitude and direction. Of force on AB. बताइए आंसर क्या होगा? सर F1 + F2 + F3. ये F1, F2, F3 मैंने क्या वेक्टर फॉर्म में दिया है या सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है देखो तू? मैग्नीट्यूड. तो फिर तुम मैग्नीट्यूड को स्केलर की तरह ऐड कर दोगे? हाँ? फोर्स निकालने के लिए ए बी पे जब फोर्स निकालना है तो उसको स्केलर में एडिशन भी कर दोगे अगर तुम वेक्टर इक्वेशन लिखते तो बोलते कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर वुड हैव बीन जीरो सो F4 वेक्टर विल बी माइनस ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर ये बोलते ना या फिर ऐसे बोल देंगे कि F4 इज माइनस ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे बोल दोगे क्या नहीं सर एक चीज तो पक्का है नेट फोर्स जीरो होना है बट वो फोर्स में अब कैलकुलेशन कैसे करें आप किसी भी एक एलिमेंट पे पहले फोर्स का डायरेक्शन चेक कर लो जैसे डीए पे फोर्स का डायरेक्शन चेक कर लो तो एल क्रॉस बी करोगे अगर आप तो ये देखो ये फोर्स बाहर की तरफ आ रही है दिख रही है आपको कैन यू सी दिस यस सर और अगर एक क्लोज लूप में किसी भी एक एलिमेंट पे अगर आपने फोर्स देख लिया ना अगर बाहर की तरफ है तो समझ जाओ बाकी सब पे भी फोर्स बाहर ही होगा बाकी सब पे भी किसी एक पे फोर्स निकाल लिया अगर ये बाहर की तरफ आया है और ये क्लोज लूप है सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो फिर उस केस में बाकी सब पे भी आपका सेम डायरेक्शन मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में ही आपको फोर्स मिलना है तो अगर मैं सब पे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दिखाऊं तो ऐसे कुछ दिखाएंगे परपेंडिकुलर टू लेंथ होना ये ध्यान रखना बस
तो ये F1, सॉरी ये F4 होगा, ये F1 और ये F2, देखो तो यही सिचुएशन है नहीं है? Yes, sir. अब आप वेक्टोरियली ये लिख सकते हो कि F4 वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर सम इन सब रे फोर्सेस का जीरो होना है. देखो F1 और F3 exactly opposite है ना? Yes. है नहीं है? बड़ा कौन है, F1 या F3? F1, क्योंकि उसका length of wire बड़ा है, length of wire बड़ा है, तो इसलिए F1 बड़ा होगा. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि right की तरफ मेरे पास जो बच रहा है that is F1 minus F3, ये F1 और F3 का vector sum है, जिसका magnitude basically F1 minus F3 आएगा. समझ आ रही है आपको? Yes, yes. और नीचे की तरफ हमारे पास है F2. इन दोनों का अगर resultant find out करते, इन दोनों का resultant. तो this would have been F1 plus F2 plus F3 vector में. होता ही नहीं होता? होता? Yes sir. And इसका magnitude अगर find out करोगे तो कितने का है? Root under F1 minus F3 square plus F2 square. ये होता ना? Yes, होता? Yes, और ये हो गया अगर F1 और F2 F3 का वेक्टर सम, तो इसके इक्वल एंड ऑपोजिट किसको होना पड़ेगा? F4 को? No, sir. ये देखो, ये आपका F4 हो गया. That's it. और अगर ये F4 मिल चुका है आपको, आप डायरेक्शन भी इसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ये एंगल को थीटा मान लें, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, होगा ना? तो पहला चीज तो है F4 का मैग्नीट्यूड आपको मिल चुका है. F4 is root under F1 minus F3 whole square and plus F2 का square. And F4 का एंगल कितना है? F4 vector at theta equal to tan inverse F1 minus F3 divided by F2 with wire DA. DA वायर के साथ ही तो वो एंगल निकाला है ना मैंने, देखो तो. Yes, sir. देख रही है आपको? Yes, sir. सबको समझ आ गई तो आगे बढ़े. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. This is a conducting rod of mass M, length L, and resistance R. ये R resistance है. ठीक है. The question says a uniform vertical magnetic field exists in the region. Find the magnitude of field
require to pehla keep rod in equilibrium and dusra to shoot off the rod from the rails jo incline karke dikha rakha hai wo rails hai आपको ये मान के चलना है फ्रिक्शन को निगलेक्ट करना है निगलेक्ट फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है ठीक है दो पार्ट है बेसिकली क्वेश्चन के दोनों का सोल्यूशन हमें अलग अलग करना पड़ेगा इस तरह के सारे क्वेश्चन जो होते हैं सारे क्वेश्चन इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इन सबका आपको एक साइड व्यू ड्रॉ करना चाहिए सबसे पहला काम है इनका हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे सबसे पहला साइड व्यू ड्रॉ करना साइड व्यू मतलब आप इमेजिन करो अपने आप को कि आप बाहर से एज एन ऑब्जर्वर साइड से देख रहे हो तो जैसे एज एन ऑब्जर्वर हम अगर इधर से देखें तो इधर से देखेंगे तो हम करंट को बोल सकते हैं ना रॉड में अंदर की तरफ जा रही है कह सकते हैं नहीं देखो एक बार कह सकते हैं यस yes. और ये करंट की वैल्यू हमें पता है ई बाय आर हो जाना है होना ना ठीक है और तो कहीं रेजिस्टेंस है नहीं एक ही रेजिस्टेंस से एक ही बैटरी है तो ई बाय आर का करंट फ्लो कर रहा होगा अब मैं इसका साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है साइड व्यू में हमें ये इंक्लाइंड रेल्स ऐसे दिखने हैं दो नहीं दिखेगा अब एक ही दिखेगा क्योंकि आप साइड से देख रहे हो और यहाँ पे हमारा जो करंट है वो रॉड में अंदर की तरफ जा रहा होगा ये क्रॉस बनाया है जस्ट टू इंडिकेट कि करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रही है समझ आ रही है समझ आ रही है ठीक है एंड दिस एंगल ओवर हियर इज थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आपको थीटा दिखा रखी है अब उसने ये कह रखा है कि आपको रॉड को इक्विलिब्रियम पे रखना है पहले वाले पार्ट के लिए उसने ये नहीं बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको वर्टिकल या अपवर्ड चाहिए डाउनवर्ड चाहिए उसने बस बोला है वर्टिकल है तो अब आपको खुद से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लेना है या नीचे लेना है एक चीज आपको ऑलरेडी पता है कि इसका वेट की वजह से mg इज डाउनवर्ड्स अब अगर mg डाउनवर्ड्स है तो हमें जो भी मैग्नेटिक फोर्स चाहिए उसका एक कॉम्पोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए ना क्योंकि mg साइन थीटा जो फोर्स है वही तो उसको नीचे खींचना चाह रहा है इसको बैलेंस करने के लिए बेसिकली आपको फोर्स चाहिए नाउ कंसीडर टू पॉसिबिलिटीज खुद ही सोच लो कि दो पॉसिबिलिटीज क्या है एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ ले लेते हैं अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लेते हो तो एल क्रॉस बी करके देखो करंट इज इनसाइड इनसाइड करंट है और इनसाइड से अगर आप ऊपर की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे तो देखो राइट की तरफ फोर्स आएगा दिख रहा है आपको कैन यू सी दैट यस नहीं दिख रही सब कुछ देखो yes, sir. ये देखो ये है अंदर की तरफ ये करंट है और ये फील्ड ऊपर की तरफ है ऐसा है तो अभी आप L क्रॉस B करोगे इधर ही तो आएगा ना ये देखो मेरा थंब देखो राइट की तरफ है ये देखो L क्रॉस B दिख रही है ठीक yes, है तो ये राइट की तरफ आ रही है इनकेस अगर आपको प्रॉब्लम होती है ऐसे मतलब ये तो प्रैक्टिस के ऊपर ही है आपका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप सीखोगे क्रॉस कैसे करते हैं बट इनकेस अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बेस्ट तरीका होता है इस तरह के केसेस में तो आप आईजे के ये कन्वेंशन यूज कर सकते हैं जैसे ये तीन डायरेक्शन सोचो आप एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बाहर तो ये जो रेड कलर की पेन है ये नेगेटिव जेड हो गई ना होगी नॉर्मली हम लोग एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस इधर और जेड एक्सिस बाहर तो ये तो नेगेटिव जेड हो गई है और आपको क्या करना है नेगेटिव जेड मतलब माइनस के एंड क्रॉस जे करना है माइनस के क्रॉस जे करोगे तो आई ही तो मिलेगा ना Yes, sir. Yes, sir. तो वो yes, भी कर सकते थे इनकेस अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने में दिक्कत आती है ऐसे फिंगर्स नहीं कल होते तो फिर उस केस में आपको ये चीज पे स्टिक करना चाहिए आपको एक चीज जो मैंने बार बार ही बोला है लास्ट क्लासेस में भी समझाया था कि जैसे जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करते हो तो पहले उसका प्लेन आइडेंटिफाई कर लो प्लेन जो है वो ऐसा प्लेन बन रहा है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जब आप देखोगे तो या तो राइट आएगा या तो लेफ्ट ही आएगा दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है तो उस केस में फर्स्ट से सेकंड की तरफ कर्ल करते तो इधर आ जाता तो ये डायरेक्शन हो जाता समझ आई ठीक yes, है so, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें मिल चुका है तो क्या हमारा चॉइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सही था क्या क्योंकि देखो अगर मैंने ये फोर्स अगर राइट की तरफ दिखाया ये देखो ये फोर्स अगर राइट की तरफ दिखा रहे हैं ये फोर्स होगी आई इंटू एल इंटू पी और इस फोर्स का एक कॉम्पोनेंट आएगा देखो इधर ये एंगल थीटा है दिस एंगल इज थीटा तो इस तरफ का फोर्स आएगा दैट विल बी आई एल बी इंटू कॉस नॉर्मल रिएक्शन तो परपेंडिकुलर टू प्लेन है उससे हमें मतलब नहीं है तो देखो आपका फाइनल कंडीशन क्या हो गया आई एल बी कॉस थीटा
has to be equal to mg sin theta. Likh rahi hai? So therefore, ILB is equal to mg tan theta. Got it? Yes, sir. B अब यहां से आराम से मिल जाएगा ना हमें, ठीक है? Yes, sir. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. Yes, अब second, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं. सेकंड पार्ट में उसने ये कह रखा था कि हमें उसको शूट ऑफ करना है. शूट ऑफ करना है मतलब उसको रेल से उठा के फेंक देना है, ऐसा सिचुएशन चाहिए हमें. तो अगर रेल से उठा के फेंकना है तो मैग्नेटिक फील्ड तो हम ऊपर की तरफ नहीं ले सकते, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो फिर से वापस से वैसे सिचुएशन आएगा जहां पे आईएलबी राइट की तरफ आएगा, और राइट की तरफ अगर आईएलबी आ रहा है तो वो तो बेसिकली उसको प्रेस ही करेगा ना आगे, मतलब टुवर्ड्स दी रेल्स, है ना? समझ आ रही है? समझ आ रही है? Yes, sir. तो अगर प्रेस करेगा रेल्स की तरफ ही और, तो फिर कॉन्टैक्ट कैसे छूटेगा? कॉन्टैक्ट छूटने के लिए तो आपको रेल्स से अवे फोर्स चाहिए, रेल्स के टुवर्ड्स नहीं. तो mg इज डाउनवर्ड्स. अब हमने क्या किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड को इस बार नीचे की तरफ ले लिया. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज डाउनवर्ड्स. अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स है तो इस बार dl क्रॉस b करोगे तो इस बार लेफ्ट की तरफ आएगा ना, क्योंकि b का डायरेक्शन उल्टा कर लिया आपने. Yes, sir. तो अब फोर्स आएगी कितनी, ILB. और ILB फोर्स अगर लेफ्ट की तरफ आई है सोचो तो कॉन्टैक्ट कैसे ब्रेक कर सकता है. अगर ILB का कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन जो है वो MG के कॉम्पोनेंट से बड़ा हो गया. ये एंगल आपको पता है, दिस इज थीटा, सो दिस इज 90 माइनस थीटा. तो इधर का कॉम्पोनेंट हो गया ILB साइन थीटा, एंड इधर का कॉम्पोनेंट हो गया MG कॉस थीटा. तो अगर कॉन्टैक्ट ब्रेक करनी है तो ILB साइन थीटा को क्या करना पड़ेगा मुझे, ग्रेटर देन और इक्वल टू MG कॉस थीटा रखना पड़ेगा ना, होगा? Yes, so therefore, ILB की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू MG cot theta रखना पड़ेगा. Got it? Yes, समझ आई है? Yes, ये B का डायरेक्शन आपको खुद से निकालना पड़ेगा. ऐसे क्वेश्चंस में से हो सकता है कि B का डायरेक्शन वो नहीं दे, आपको खुद से दोनों पॉसिबिलिटी सोचना पड़ेगा. एंड जो भी पॉसिबिलिटी से आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे. एक और क्वेश्चन करते हैं. Just a ये कंडक्टिंग रॉड दे रखा है, कंडक्टिंग रॉड ऑफ मास m एंड थिन. एंड अगर आपको दिख रहा है डायग्राम में तो ये दो स्टैंड के ऊपर हम इसको प्लेस करने वाले हैं. दिख रहा है आपको? यस सर. दिख रहा है? यस सर. यहां पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है अंदर की तरफ,
The question is, as soon as we place the rod over the two stands, it jumps off to a total height h above stands. Find charge flown through the rod. कितना चार्ज फ्लो किया रॉड के थ्रू, ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन में अभी देखो, जब हम इसको प्लेस करेंगे तो प्लेस करने के बाद का सिचुएशन तो ऐसे ही दिखेगा ना, दिखेगा ऐसे ही. ठीक है, यस सर. तो इसमें एक करंट देखो इधर की तरफ फ्लो करेगी, ये करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड सिंस अंदर की तरफ दे रखा है तो एल क्रॉस बी करें तो ऊपर की तरफ एक फोर्स आ रही है, दिख रही है आपको? दिख रही है? ये पक्का है, ये बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स होगा, पक्का है, ये बहुत बड़े अमाउंट का फोर्स है, तभी तो इसको शूट ऑफ करवा रहा है ना. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप सोच के देखो, जैसे ऐसे सोचो, एक मिनट रुकिए, ऐसे सोचो, जैसे यहाँ सोच के देखो, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे मेरे फिंगर टिप को सोचो आप स्टैंड की तरह, ठीक है, स्टैंड की तरह, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे रखने वाले हैं. तो जैसे इस पे रखा, तो इसको रखते ही ऐसे क्या हुआ, इस फिंगर से स्ट्राइक किया, तो फिंगर से स्ट्राइक करते क्या हुआ, इसके ऊपर एक इंपल्सिव फोर्स लगी. समझ आ रही है? जैसे यहाँ पे सोच के देखो, ये फिंगर से हम क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्राइक कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इसको छोड़ेंगे तो यहाँ से स्ट्राइक करेंगे अगर, तो ये ऊपर उड़ जाएगा ना. समझ आ रही है आपको? स्ट्राइक करने की तरह स्ट्राइक करो, फ्लिक करो, तो फ्लिक करोगे तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा फोर्स छोटे ड्यूरेशन पे लग रही है, तो वही उसको क्या करेगा, इसको शूट करवा देगा. तो ये शूट कर गया, तो शूट किसकी वजह से किया, शूट हुआ है इस इंपल्स की वजह से. यहाँ पे जो उसको स्ट्राइक मिल रहा है उस छोटे से ड्यूरेशन में, उसी में उसने वेलोसिटी गेन कर लिया, उसके बाद ये ऊपर उड़ गया. समझ आ रही है? ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस छोटे से ड्यूरेशन में जितने देर में ये स्टैंड के साथ कॉन्टेक्ट में था, उस छोटे से ड्यूरेशन में इसको कितना इंपल्स मिला, और इंपल्स निकालने का तरीका क्या है, एफडीटी करके इंटीग्रेट करना, राइट? yes. है ना? तो बस वही काम अब हम करेंगे. ठीक है, सो ये तो समझ में आ रहा है, दिस इज अ लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. तो लार्ज मैग्नीट्यूड अगर है, तो इस लार्ज मैग्नीट्यूड की वजह से क्या लिखा गया, मैग्नीट्यूड, और लार्ज मैग्नीट्यूड होने की वजह से हमें ये पता चल रहा है, सो इवन दो कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन इज स्मॉल, लार्ज इंपल्स इज प्रोवाइडेड बाय इट. एंड देयरफॉर अगर मैं ये सोचू कि कितना इंपल्स उसने उसको प्रोवाइड किया, so impulse is change in momentum and that will be equal to integration of fdt and that will be integration of ilb into dt. aur agar aap dhyan se dekhoge to i ko hum log khud dq by dt likhte hain na, likhte hain, yes sir. aur yahan pe dt already hai to dt to gaya, b aur l to constant hai, b aur l ko bahar nikal liya, integration dq bacha, aur integration dq matlab kya hai, dq kya tha, charge flown in time dt, to integration dq kya ho jayega, charge total flown in the duration in which it was in contact, keh sakte hain isko, yes, to ye ho jayega bl into delta q, and ye delta q is, this delta q is the charge flown in duration in which rod was in contact with stand. theek hai. और अभी डेल्टा पी को चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम को हम अगर लिखें तो एम इंटू वी माइनस जीरो, क्योंकि पहले तो रेस्ट पे था, तो यहां से देखो आपको एम वी की वैल्यू मिल गई है. सो व्हाट यू गेटिंग इज वी का वैल्यू मिल गया आपको, बी एल बाई एम इंटू डेल्टा क्यू मिल चुका है. ठीक है, एक बार आपको वी मिल चुका है, अब तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन है, क्योंकि फाइनली अगर सोचें तो यहाँ से उठ के वो फाइनली क्या होगा, एक सर्टन पोजिशन पे पहुंचेगा यहाँ पे, और यहाँ पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी वी से उसने स्टार्ट किया,
और एच हाइट तक वो रेज हुआ है, एच हाइट तक रेज हो गया है। अब तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन है ना, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कह सकते हैं। Yes, yes, sir. So therefore, half m into v square equal to mg into h कर लिया, या directly v की value आप root under 2g भी कर सकते थे। तो v की value को मिल गई हमें, this is root under 2g into h, and ये value आपने निकाल रखा, this is bl by m into delta q, so therefore delta q की value भी आपको मिल जाएगी, m into root under 2gh and divided by bl हो जाएगा। क्लियर है? यस यस चलो भी आगे बढ़ते। करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके उसका बिहेवियर चेक करेंगे। हम एक सिंपल सा सिचुएशन यहाँ पे ले रहे हैं, लेट अस से इस लूप को हम कुछ नाम देते हैं पी क्यू आर एस, और इसमें करंट इधर की तरफ फ्लो करती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मान लिया, एंड यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि आपका अंदर की तरफ है, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बी। डेटा भी कुछ चूज कर लेते हैं लेंथ के लिए, पी क्यू और आर एस, इस लेंथ को मान लेते हैं एल है, एंड क्यू आर और एस पी इसको मान लेते हैं बी है। ठीक है, इसके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो होगा, ये तो कोई डाउट ही नहीं है, नेट फोर्स जीरो होगा ना, क्लोज करंट कैरिंग लूप प्लेस इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, फोर्स तो जीरो आएगा। यस सर। ठीक है, बट टॉर्क जीरो आ रहा है नहीं, पर ये चेक करके देखते हैं, लेट अस चेक वेदर टॉर्क इज जीरो ऑर नॉट। आप इस पे क्यू आर वाले एलिमेंट पे फोर्स निकाल के देखो, एल क्रॉस बी करो, ऊपर की तरफ आ रहा होगा, देखो दिख रही है आपको? यस सर। ये आउटसाइड द लूप है, मतलब लूप के बाहर की तरफ लग रही है, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर एक एलिमेंट पे आप निकाल चुके हो वो बाहर की तरफ आ रही है, तो बाकी सब पे भी बाहर ही होगा, तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये बाहर की तरफ अब मैं बिना चेक किए यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दिस इज ऑन आर एस, इसमें भी बाहर होगा, दिस विल बी ऑन एस पी, एंड इस पे भी इधर रहेगा, दिस विल बी ऑन पी क्यू। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इक्वल एंड ऑपोजिट पुलिंग फोर्सेस आपको मिलेंगे, दिख रहे हैं आपको, एंड दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी एक ही है, और लाइन ऑफ एक्शन अगर दो फोर्सेस का सेम हो तो क्या लूप हमारा टर्न करेगा? क्या कोई टॉर्क मिल रही है आपको? क्या कोई टॉर्क मिलेगी यहाँ पे? नहीं मिलेगी ना, क्यों? क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, तो नेट फोर्स तो यहाँ पे जीरो दिख ही रही है, नेट फोर्स जीरो है ही है, नेट टॉर्क भी जीरो है। ठीक है, दोनों ही जीरो है। ठीक है, जब आपका लूप प्लेन ऑफ लूप इस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब आपको कोई भी टॉर्क नहीं मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, इस लूप को थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, मान लेते हैं हमने इसको थीटा एंगल से टर्न कर दिया, लेट अस टर्न द लूप बाय एन एंगल थीटा नाउ, सो थीटा एंगल से इसको टर्न करके फिर से रीड्रॉ करते हैं एक बार। नाउ वी टिल्ट द लूप बाय एंगल थीटा, अब थीटा से टिल्ट करके देख रहे हैं, तो यहां पे ऐसा करते हैं, ये पहले लूप का सिचुएशन है, लूप का पहले का ओरिएंटेशन ऐसा था, इसको नाम भी दे देते हैं, दिस वाज पी Q, R, N, S. अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा टर्न कर रहे हैं, टिल्ट करेंगे इसको, तो ये वाली एंड इधर आ जाएगी, एक एंड से टिल्ट करने से होगा, वही काम हो जाएगा हमारा, पी एस वाले को फिक्स ही रख देते हैं,
हमें तो टिल्ट करना है, तो ये देखो समझ आ रही है आपको डायग्राम? कैन यू अंडरस्टैंड द डायग्राम? यस सर। ये देखो थीटा से टर्न हो चुका है, ठीक है, दिस इज थीटा टर्न बाय थीटा, एंड ये आपका मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन आपने चेंज नहीं किया, करंट आपका इधर ही फ्लो कर रहा है, तो इसको हम एक नया लोकेशन के लिए Q डैश एंड इसको R डैश मान रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम फिर से वापस से फोर्स दिखाएं, तो फोर्स आपको ऐसा दिखना है, ये फोर्स होगा QR पे, ये फोर्स होनी है RS पे, ये फोर्स होनी है SP पे, और इधर से ये फोर्स होना है आपका PQ पे। अगर आप देखोगे तो RS और PQ फिर से दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, बट QR और SP जो है उन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है, क्योंकि अब जो QR वाला जो वायर है Q डैश R डैश वो तो प्लेन के अंदर जा चुका है, गया ना वो अंदर? Yes, sir. इसी को एक बार रीड्रॉ करते हैं, साइड व्यू में एक बार देख के रीड्रॉ करते हैं, ठीक है, आपको बेटर समझ आएगा। देखो इसको साइड व्यू से देख रहे हैं, साइड व्यू से देखोगे आपको कौन सा वायर दिखना है, R और S वाला है ना, वही दिखेगा ना, सिर्फ आर एस वाला वायर दिखेगा, और मैग्नेटिक फील्ड आपको किधर दिखेगा उस व्यू से अगर बोलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बोलोगे? साइड व्यू वाले पर्सन के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? राइट राइट की तरफ, ठीक है, क्योंकि इस जो हम देख के बोल रहे हैं, हम इधर से देख रहे हैं, वो हम बोल रहे हैं इन टू द प्लेन हमारे लिए, बट जो पिंक कलर से एक ऑब्जर्वर बना रखा है वो ऑब्जर्वर के लिए फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, समझ आ रही है? Yes, ठीक है, तो उसका साइड व्यू पर रीड्रॉ करते हैं। साइड व्यू में अगर देखें तो मुझे आर एस वाला वायर दिखना है, आर डैश एस सॉरी, और वो टिल्टेड है राइट की तरफ थोड़ा सा, सॉरी डायरेक्शन उल्टा लिखा था, ये वाली एंड से करंट बाहर निकल रही है, ये आर वाला एंड है आर डैश, एंड इस वाले एंड से करंट अंदर की तरफ जा रही है, दिस इज एस, एंड करंट आपकी इधर है, एंड ये वर्टिकल से टिल्टेड थी थ्रू एन एंगल थीटा, एंड मैग्नेटिक फील्ड वाज टुवर्ड्स राइट, देखो डायग्राम कोरिलेट हुआ क्या? वर यू एबल टू कोरिलेट द डायग्राम? यस सर। ठीक है, अभी चेक करो इस पे फोर्सेस जो हमने दिखा रखे थे वो फोर्सेस इस पे दिखाए थे, दिस वाज फोर्स ऑन क्यू आर डैश एंड दिस वाज फोर्स ऑन एसपी, यही है ना, चेक करो एक बार, देखो इन दोनों की वजह से टॉर्क आएगा ही नहीं आएगा, अभी अब खुद ही सोच के देखो, नेट फोर्स जीरो है बट टॉर्क तो आएगा ना, आएगा नहीं आएगा टॉर्क? इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर है, ये कपल ऑफ फोर्स है क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है, एंड इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ये सेपरेशन कितने का है, ये लेंथ हमने एल माना था, तो ये लेंथ कितनी हो गई, देखो तो एल साइन थीटा हो गई क्या? यस सर। टॉर्क अगर निकालें, नेट टॉर्क अगर निकालें तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आनी है, फोर्स क्यू आर वाला ले लो, सो फोर्स की वैल्यू इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है, इसको एफ मान लेते हैं, सो एफ मल्टीप्लाइड विथ क्या लिखना है आपको, एल साइन थीटा कपल ऑफ फोर्स के लिए, एंड एफ की वैल्यू कितनी थी आई एल बी के लिए, ये जो क्यू आर का हमने लेंथ माना है वो हमने लेंथ देखो बी माना था, क्यू आर का लेंथ और एस पी का लेंथ दोनों का बी माना था, तो आई इंटू बी आना है, सो एफ की वैल्यू को लिखेंगे तो ये लिखेंगे आई इंटू बी, एंड इसके साथ हमने एल साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को रीअरेंज करें तो उसको ऐसे ले सकते हैं आई इंटू एल बी एंड दैट मल्टीप्लाइड विद बी साइन थीटा, लिख सकते हैं क्या सर? अब एल इंटू बी क्या हो गया, दिस इज एरिया ऑफ लूप, दिस इज एरिया ऑफ लूप है ये, ठीक है, इसका मतलब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है ना? अब देखो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, एरिया भी स्केलर है, बट करंट के डायरेक्शन में अगर हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करते हैं, करंट के डायरेक्शन में अगर हम राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो उससे जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो थंब का डायरेक्शन तो एरिया के परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब जो लूप है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, होगा नहीं होगा?
करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें तो जो थंब होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा ना. यस सर. और आपको याद है फ्लक्स कैलकुलेशन करते वक्त भी हमने एरिया को एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया था और उस वेक्टर का डायरेक्शन भी हमने ऐसे ही फाइंड आउट किया था, याद है? प्लेन के परपेंडिकुलर बोलते थे ना. यस सर. तो उस लॉजिक से आई इंटू ए इसको एक नया वेक्टर की तरह हम डिफाइन कर सकते हैं. वी कैन डिफाइन इट एज लाइक अ न्यू वेक्टर. इस न्यू वेक्टर को हमने बोला ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप होगा एंड इस मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप होगा. एंड एग्जैक्ट डायरेक्शन अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड जो स्ट्रेस थंब होगा वही डायरेक्शन ऑफ लूप देगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट देगा. जैसे इस डायरेक्शन में अगर देखें तो इस डायरेक्शन में इस लूप का प्लेन का परपेंडिकुलर, लूप का प्लेन का परपेंडिकुलर देखो तो क्या ये डायरेक्शन आ रही है? यस आ रही है क्या? यस सर. और देखो ये अगर m वेक्टर है, सोचो ये अगर m वेक्टर है, ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री देखो यहाँ पे. ये एंगल थीटा हमने माना है, देखो तो ये एंगल भी थीटा है क्या? चेक करो, क्योंकि ये एंगल तो थीटा होगा, थीटा सो 90 माइनस थीटा. दिख रही है आपको? थीटा हो गया ना? ठीक है, सो ये तो थीटा मिल गया आपको. तो देखो m और b के बीच का जो एंगल आ रहा है, m और b के बीच का एंगल वो थीटा ही आ रहा है. तो अगर m और b के बीच का एंगल थीटा है तो m भी साइन थीटा करते तो भी तो आ जाता ना रिजल्ट, टॉर्क का आता है नहीं आता? यस सर. और m क्रॉस b करके देखो, उससे जो टॉर्क का डायरेक्शन आ रहा है, m क्रॉस b से जो टॉर्क का डायरेक्शन आ रहा है वो फोर्स से जो हमने कैलकुलेट किया उससे मैच भी कर रहा है. ये देखो ये टॉर्क का डायरेक्शन आ रही है, दिख रही है आपको? दिख रही है? m से b की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करो आपको पता चल जाएगा, दिख रही है? Yes. ये वाले, ये जो टर्म है करंट इनटू एरिया, इसको मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप बोला गया है. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप. सो देयरफॉर टॉर्क की एक्सप्रेशन आ गई है एम क्रॉस बी, वेर एम जो है वेर एम इज करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया. एरिया के ऊपर आप वेक्टर लगाया है, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप. ठीक है, सो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे. हियर डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप एंड इज फाउंड आउट यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल वेयर वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड हेंस the stretched thumb gives direction of m vector. ठीक है, इसको दिखाने के लिए जैसे एक छोटा सा डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं, आपको बेटर क्लैरिटी रहेगी. ये मान लेते टेबल है और इस टेबल में हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक ऐसा एक करंट कैरिंग लूप प्लेस कर रखा है. इसमें मान लेते करंट हमारा इधर की तरफ फ्लो कर रहा है. अब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन पूछ रहे हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट का अगर डायरेक्शन पूछ रहे हैं तो राइट हैंड का फिंगर रूल यूज करनी है. तो हमें क्या करना है, अपने पहले अपने फिंगर्स को राइट हैंड के फिंगर्स को दिखा रहे हैं यहाँ पे. So, right hand के fingers हैं. इनको आपको curl करना है in the sense of current. जिस sense में आपका current flow कर रहा है, उसी sense में आपको fingers को भी curl करनी है.
और देखो आपका थंब जो पॉइंट कर रहा है, ये थंब का जो डायरेक्शन है यही आपका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। समझ आ रही है? यस यस सर। सो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है, और जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो थंब का डायरेक्शन ही आपका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, टॉर्क एक्सप्रेशन में जो हमारा यू नो टॉर्क अगर मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो सिंपली आप एम बी इंटू साइन थीटा लिख रहे हैं। अब ये ध्यान रखना है आपको साइन थीटा में थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके बीच का एंगल है चेक करो, डायग्राम देखो थीटा किसके बीच का एंगल है, एम और बी के बीच का एंगल है। अगर आपको प्लेन और बी के बीच का एंगल अगर दे दे तो क्या करेंगे, अगर प्लेन और बी के बीच का एंगल थीटा दे दिया है तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है नहीं है? यस सर। अगर प्लेन ऑफ लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ही एंगल उसने थीटा दे दिया तो फिर हमारा रिक्वायर्ड एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमें प्लेन के साथ एंगल नहीं लेना है, हमें तो प्लेन के नॉर्मल के साथ एंगल लेना है ना। समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक होती है, ध्यान रखना, क्योंकि जो लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो जानते हैं कि आपने tau equal to mb sin theta याद रखा है, बट आपने ये याद नहीं रखा है कि थीटा किसके साथ एंगल लेना है। तो थीटा अगर किसके साथ एंगल लेना है ये नहीं पता है तो फिर तो आप गलत करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, इसको मेंशन भी कर देना क्योंकि कॉमन मिस्टेक है, करते हैं सभी। सो n tau equal to mb sin theta, theta is angle between normal to the plane of loop and b vector, and not between plane of loop and b vector. ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो कि जैसे इसमें तो लूप एक सिंगल प्लेन में है, ठीक है, एक सिंगल प्लेन में लूप है, कई बार ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि एक मल्टीपल प्लेन में लूप हो। मल्टीपल प्लेन में मतलब जैसे लूप को आधा बेंड कर दो, आधा बेंड कर दोगे तो एक आधा लूप दूसरे प्लेन में चला जाएगा एंड दूसरा आधा जो है दूसरे प्लेन में चला जाएगा। तो अगर मल्टीपल प्लेन में अगर लूप आपको दिखते हैं तो आपको क्या करना है, आपको पार्ट वाइज प्लेनर लूप कंसिडर करना है और उनका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है अलग अलग एंड फिर वेक्टर सम कर लेना है। मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको बेटर क्लैरिटी होगा, मैं पहले लिख लेता हूं उसको। इफ द लूप इज नॉट इन अ सिंगल प्लेन, इन अ सिंगल प्लेन, देन वी फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट वाइज प्लेनर लूप, पार्ट वाइज प्लेनर लूप एंड देन we take their vector sum, take their vector sum. जैसे कैसे करना है आपको, imagine करो लेते हैं ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड ये z एक्सिस है। ठीक, हमारी जो लूप है वो कुछ ऐसी पड़ी हुई है, मैंने इनको इसे मान लो करंट इधर फ्लो कर रहा है, आपको दिख रही है ये दो अलग अलग प्लेन आ गया, दिख रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, yes, एक जो है जो इधर दिख रहा है ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स जेड है, एक्स जेड प्लेन है, एंड इधर ये जो दिखा रखा है ये वाई जेड है, दिख रही है? अब इसमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं ये सेमी सर्कुलर लूप है, दोनों पार्ट जो है सेमी सर्कुलर लूप है, ईच हाफ सेमी सर्कुलर है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर मान लेते हैं। तो अब आप क्या करोगे, आपको इस तरह की सिचुएशन में क्या करना है,
हम इसको रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार। आपको क्या करना है यहाँ पे, आप दो वायर अपनी तरफ से प्लेस करो, अपनी तरफ से आप दो वायर प्लेस करेंगे, एक में जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कराएंगे, दूसरे में ठीक उल्टा फ्लो कराएंगे आप। तो आपने एग्जैक्टली क्या कोई करंट कैरिंग वायर प्लेस किया या नहीं किया, इफेक्टिवली कुछ प्लेस किया या नहीं किया? नहीं किया क्योंकि इधर भी आई तो इसका मतलब आपने कुछ भी प्लेस नहीं किया। बट एडवांटेज ये हुआ कि एक वायर देखो आपका वाई जेड प्लेन वाले लूप के साथ मिलके एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है और दूसरा वायर एक्स जेड प्लेन वाले के साथ मिलके एक लूप फॉर्म कर रहा है, दिख रहा है आपको? अब दोनों का अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के हम ऐड कर सकते हैं, तो जो एक्स जेड प्लेन वाला लूप है उसके लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर देखोगे तो ये किधर आएगा, वाई डायरेक्शन की तरफ, समझ आ रही है? इसको M1 कह लेते हैं। और दूसरा वाला अगर आप देखोगे तो राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, आपको दिखेगा ये आपका इस तरफ आएगा, देखो M2 दिख रहा है आपको, x एक्सिस की तरफ दिख रही है। वाई जेड प्लेन का परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, x एक्सिस, राइट? तो फाइनली अगर m अगर नेट निकाले, m नेट निकालोगे तो क्या लिखोगे आप, M2 i कैप n प्लस M1 j कैप, एंड M1 M2 तो सेम ही है, करंट इनटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 एंड इनटू i कैप प्लस j कैप, ये आंसर हो जाएगा। समझ आई, समझ आई है? यस सर। ठीक है, तो पार्ट वाइज प्लेनर लूप का अलग अलग निकालेंगे एंड फिर कैलकुलेशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग ब्रांच इज कि अगर मान लो मल्टीपल लूप होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशंस किए हैं, सोचो ये जो कैलकुलेशन किया टॉर्क का, ये टॉर्क का कैलकुलेशन इस बेसिस पे है कि यहाँ पे एक सिंगल लूप है। बट अगर मान लो कि ये मल्टीपल लूप होता, मल्टीपल लूप होते मतलब बहुत सारे टर्न्स होते, तो जितनी बार ही ये टर्न होता हर एक टर्न के लिए एक एक एम क्रॉस भी आता, होते नहीं होता? Yes, समझ आ रही है? तो मैग्नेटिक मोमेंट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो एक लूप के लिए आपने करंट इनटू एरिया कर रखा है, अगर आपके n टर्न्स होंगे तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट आपको n टाइम्स ऑफ i इनटू a करना पड़ेगा, समझ आ रही है? समझ आ रही है? यस सर। इसीलिए आपका जो, हाँ बोलिए सर, अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो अंडर रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर करना पड़ेगा? हाँ। अच्छा हाँ ठीक है। आपके पास वीडियो लैग करके आ रहा है क्या? हाँ? वीडियो लैग करके आ रहा है, ऑडियो लैग करके आ रहा है क्या, देर से पहुंच रहा है? नहीं सर। ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपके पास n होंगे तो ये चीज का ध्यान रखना है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको n टाइम्स ऑफ ia लिखना है। तो टॉर्क का भी एक्सप्रेशन अगर लिखोगे तो n टाइम्स ऑफ ia into b sin थीटा हो जाएगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, उसको मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, इफ देर आर n टर्न्स इन लूप देन मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको n टाइम्स ऑफ करंट इनटू एरिया लिखनी है, एंड देयरफॉर टॉर्क की वैल्यू लिखोगे तो mb sin थीटा लिख रहे थे, तो इसको लिखेंगे तो nia इनटू b sin थीटा। इसको याद रखने का आसान तरीका है bina बिना sin थीटा, ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको? यस सर। ओके, अब एक छोटी सी कोरिलेशन की बात करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टॉर्क का एक्सप्रेशन आया है m क्रॉस b। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखते थे तो याद है उसमें जो टॉर्क आता था वो m क्रॉस b आता था, याद है? mb sin थीटा। यस सर। p क्रॉस c एंड वो आता था p sin थीटा, राइट? यस सर। यहाँ पे बस p क्रॉस e की जगह m क्रॉस b आया, बाकी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उसमें कुछ चीजें हमने टॉर्क के बाद इमीडिएटली बाद हमने कुछ चीजें डिराइव की थी, जैसे ऑसिलेशंस ऑफ अ डाइपोल डिराइव किया था कि छोटा थीटा होगा तो उसमें ये टॉर्क की वैल्यू को हम लोग पीई साइन थीटा की जगह पी थीटा लिख लेते थे, याद है? यस सर। सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये एमबी साइन थीटा में साइन थीटा अगर थीटा छोटा हो गया
तो फिर उसको थीटा लिख सकते हैं सिंपली साइन थीटा को, एंड टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो भी तो SHM करेगा, राइट? यस सर। जो जो एक्सप्रेशन हमने वहां डिराइव किया है वो सारे एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे रीयूज कर सकते हैं, जस्ट दी ओनली सब्स्टिट्यूशन विल बी कि m, मतलब वहां पे जो p था उसको m से रिप्लेस कर दो, और जो वहां पे e था वहां पे इसको b से रिप्लेस कर दो, वहां का जो भी एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया सारा यूज हो जाएगा। तो जैसे वहां पे हमने डिराइव किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ p डॉट e, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ m डॉट b हो जाएगा। समझ आ रही है? Yes, sir. फिर वहां पे जैसे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इक्विलिब्रियम के पोजीशन थे, 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सेम चीज यहां पे भी होगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, मतलब अगर m वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर है, तो फिर उस केस में आपका 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर 180 डिग्री लेंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। समझ आ रही है? क्लियर है? यस सर। तो उस वो सारे रिजल्ट्स हमने वहां पे तो डिराइव किए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे वापस से डिराइव नहीं कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे कोरिलेशन से लिख दे रहा हूँ, ठीक है? एज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म electric field experienced a torque tau equal to p cross e, we can understand that this situation is analogous to a current carrying loop placed in uniform magnetic field. Thus, all results of dipole in an electric field is valid for magnetic moment in a magnetic field. अब क्या क्या चीजें हम यूज करेंगे यहाँ पे, जैसे SHM of loop in uniform B vector, इसका time period आएगा 2 pi root under moment of inertia about axis of rotation divided by mb, ठीक है ना? 2 pi root under I by PE था वहां पे, याद है आपको? Yes sir. ठीक है, फिर दूसरा potential energy of loop placed in uniform field, इसको लिखे तो U की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस ऑफ m डॉट b लिखेंगे, एंड देयर विल बी माइनस ऑफ mb इनटू cos थीटा। तीसरी चीज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ लूप, दैट विल बी change in potential energy, and there will be minus of mb into cos of theta 2 minus mb into cos of theta 1. ठीक है? ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. On releasing system, yeah, loop. On releasing loop from arbitrary position theta, on releasing group from arbitrary position theta in uniform field,
the loop performs oscillation. Loop performs oscillations. Loop performs oscillations. Oscillations with maximum kinetic energy, K max, at stable equilibrium. Stable equilibrium position. Therefore, KE initially plus potential energy initially will be KE max plus potential energy min. Initial kinetic energy आपने zero ले रखा है, so zero plus minus of mv cos theta will be equal to KE max and plus minus of mv. ठीक है ना? ठीक है? ठीक है. Yes sir. इक्विलिब्रियम पोजीशंस दो हैं. इक्विलिब्रियम पोजीशंस थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. जीरो डिग्री आपका स्टेबल है एंड 180 डिग्री आपका अनस्टेबल है. And theta equal to 90 degree की बात करें, so this is not an equilibrium position. Equilibrium position नहीं है, क्योंकि यहाँ पे torque जो है वो आपका maximum होगा, and will be mv. ठीक है ना? And potential energy की अगर बात करें, तो u की value आपकी zero होगी. ठीक है? Yes sir. ये सारी चीजें हमने वहां कर रखी थी, इसलिए मैंने यू नो टाइम वेस्ट किए बिना इसको जल्दी जल्दी यहाँ पे कवर अप कर लिया है, लिख दिया है ताकि आपको सारी चीजें याद रहे, हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े. यू नो कम से कम आपको भूल ना जाए, आपकी ये कभी नहीं किया ऐसा फीलिंग ना है, कर रखा है बस चीजों को सारा को रिकलेक्ट करके याद रखना है. अब इस पे बेस करके कुछ एप्लीकेशन आपको दिखाते हैं. पहले जैसे सही कर लो, मान लेते हैं यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है एंड यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है. दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बी, इसको रिंग की तरह ट्रीट करें, रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर. आपको पूछा है फाइंड इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लूप. इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी आएगी आपको फाइंड करनी है. पहला चीज ये चेक करो कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किस तरफ है, अंदर की तरफ. दिख रही है आपको? यस सर. तो एम और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 ना, राइट? यस सर. और एम से अगर आप बी की तरफ अगर अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे, एम से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, देखो ऊपर से देखने पे आपको दिखेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टॉर्क आ रहा है, दिख रहा है आपको, राइट? यस सर. तो ये जो हमने दिखा रखा है ये डॉटेड लाइन, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, कोई नहीं हुआ. ठीक है, इसी एक्सिस के अबाउट बेसिकली वो घूमना शुरू करेगा. तो अगर उस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है तो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा. तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई है, m into b into sin 90 and moment of inertia since ये diametric axis है, तो diametric axis के लिए क्या लिखेंगे आप, mr square by 2, right? लिखेंगे ना? m की value आप लिख लो, current into area, so current into pi r square into b is equal to mr square by 2 into alpha. r square gets cancelled out and alpha की value आपको मिल गई है. This is twice of I into pi b
and divided by m हो गया आंसर. Got it? Yes sir. इसको इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों बोला, क्यों? क्योंकि ये ओरिएंटेशन चेंज करेगा और ओरिएंटेशन चेंज करेगा तो थीटा भी चेंज कर जाएगा और थीटा चेंज करेगा तो फिर अल्फा भी क्या होगा आपका चेंज करेगा. ठीक है, समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. मान लो ऐसा एक सिचुएशन है, this is a table and this table mein humne maan lo ek circle loop le rakha hai. Is circle loop mein current I hai and ye ek ring hai, obviously this is a ring, mass m, radius r hai and ye table usne kya rakha hai, this table is in xy plane hai. XY प्लेन और उसने ये भी दे रखा है क्वेश्चन में, देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. ठीक है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है. एंड अब आपको ये पूछा है उन्होंने, फाइंड मिनिमम करंट इन लूप रिक्वायर्ड सो दैट द लूप स्टार्ट्स टॉपलिंग over the table. ये आपको find करनी है. Loop को table पे topple करने के लिए आपको क्या condition चाहिए? सबसे पहली चीज ये है कि जो भी magnetic field आपके plane के perpendicular है, क्या उसकी वजह से कोई torque हो सकता है? No sir. जो भी magnetic field plane के perpendicular है मतलब magnetic moment से parallel है, तो उसकी वजह से कोई टॉर्क आ ही नहीं सकता है. तो टेबल का प्लेन अगर एक्स वाई प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड अगर बीजेड दे रखा है उसने, तो क्या ये हमारे किसी काम का है? दिस इज ऑफ नो यूज टू अस, दिस इज ऑफ नो यूज. आपको समझ आया ना, रीजन समझ आया? यस सर. क्योंकि ये वाला कॉम्पोनेंट मैग्नेटिक मोमेंट से पैरेलल हो जाएगा. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट से पैरेलल, प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब मैग्नेटिक मोमेंट से पैरेलल, इससे कोई टॉर्क नहीं आएगा. अब x एंड y जो है, जो एक्स वाई कॉम्पोनेंट है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का यू नो प्लेन के साथ अगर पैरेलल कॉम्पोनेंट अगर लेता तो इन दी प्लेन जो मिलता हमें, क्या हमें वो ये मिलता रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर मिलता है? नहीं है. इसको कह सकते हैं दिस इज बी इन एक्स वाई प्लेन, कह सकते हैं ना? यस सर. ठीक है, अब इसी की वजह से बेसिकली आपका लूप जो है वो टर्न कर सकता है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ. फ्रंट व्यू मतलब सामने से देखने पे आपको रिंग कैसा दिखेगा, हम उसकी बात करेंगे. तो फ्रंट व्यू से देखेंगे तो टेबल का सरफेस है यहाँ पे, ये हमारा टेबल का सरफेस है, दिस इज टेबल और इस टेबल में हमारा लूप प्लेस्ड है. इसको थोड़ा सा थिक करके ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट टू गिव अस अ बेटर इंप्रेशन. देखो तो कुछ ऐसा ही दिखेगा ना, हो गई नहीं ऐसा ही कुछ? Yes, sir. ये लेंथ आपको कितना देखना है? What will be the length? Extreme end के बीच का 2R ना? 2R. Right? क्योंकि ये तो diameter ही end है दिखेगा आपको. है actually ये ring, but आपको ऐसे सामने से देखने से तो आपको ये 2R length का एक wire दिखेगा. इसमें करंट हमारा I flow कर रहा है. तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा ऊपर की तरफ है. This has a direction of upwards. से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट हो गया. एंड मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन में जो है उसको हमने बी एक्स वाई लिख रखा है. And this bxy is root under bx square plus by square. तो मगर एक चीज नोटिस करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट और बी एक्स वाई उनके बीच का एंगल कितना है? 90 है ना? दिख रही है आपको? दिख रही है? Yes, sir.
तो m क्रॉस b करो, m से b की तरफ क्रॉस करो, देखो डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है टॉर्क का, दिख रही है, दिस इज टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, tau b लिख रहे हैं, मतलब टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मतलब ये लूप को इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कराना चाहता है, बट उसको रोक के कौन रखना चाहता है, ग्रेविटी का टॉर्क। देखो mg इधर से एड कर रही है सेंटर ऑफ मास से, तो इसकी डिस्टेंस यहां से ये कितनी है, आर है ना, चेक करो, दिख रही है। तो ग्रेविटी का टॉर्क जो है, जो ग्रेविटी का टॉर्क है वो देखो, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से बड़ा हो गया तब तो ये टर्न कर जाएगा ना, समझ आ रही है आपको? ये देखो ये उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन की तरह बिहेव कर रहा है, तो यही तो टॉपल करने वाला कंडीशन होता है, तो इसको यहाँ पे आप टॉपल करवा रहे हो, एक एज के अबाउट घुमा रहे हो इसको, तो देखो कंडीशन क्या होगा हमारे लिए। सो देखो टॉपलिंग का कंडीशन हो गया, टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टॉर्क ऑफ ग्रेविटी। टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एम बी साइन थीटा, साइन थीटा तो 90 है, तो ये हो जाएगी एम इंटू बी एक्स वाई एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी इंटू आर। मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट इंटू एरिया, सो करंट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी एक्स वाई विच इज रूट अंडर बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर and that should be greater than or equal to mg into r. एक r तो यहाँ से cancel out हो जाएगा and यहाँ से आपको current मिल गई, so current is greater than or equal to mg divided by pi r into root under bx square plus by square. Okay, got it? Yes sir. Yes sir. सबको समझ आई है? Yes sir. Yes sir. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल मान लेते थीटा है, मान लेते हैं एक सिलेंडर दे रखा है, दिस इज अ सिलेंडर, इसकी रेडियस आर, लेंथ एल एंड मास एम दे रखी है, एंड यहां पे देयर आर एन लूप्स ऑफ करंट कैरिंग वायर, करंट एन लूप्स ऑफ करंट रैप्ड सिमेट्रिकली at the central region of cylinder. ठीक है, एंड एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। आपको पूछा है कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, आपको ये फाइंड करनी है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा, जैसे mg डाउनवर्ड्स, तो इस mg का एक कंपोनेंट इधर जो पैरेलल टू इंक्लाइन होगा एंड दैट विल बी mg sin थीटा। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू icr, दिख रही है आपको है ना। So, mg sin theta की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क है, अगर उसको बैलेंस कर ले कोई और टॉर्क कहां से आएगा, देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब स्लांट ऊपर, एंड फिर उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है वो एंगल भी देखो अब थीटा ही है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली एंगल भी थीटा ही होगा, तो एम और बी के बीच का एंगल भी थीटा है, तो उसकी वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टॉर्क आ रहा है, दिख रहा है आपको, दिस इज टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड जो ग्रेविटी का टॉर्क है दैट इज क्लॉकवाइज। तो अगर ये दोनों टॉर्क बैलेंस हो गए तो फिर आपस में ही इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ गया ना। यस सर। तो देखो कंडीशन क्या होना चाहिए, टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ ग्रेविटी।
टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, कितना है टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एम बी साइन थीटा, थीटा वहां पे साइन थीटा ही है, ठीक है, जिसका ध्यान रखना. सो एम मतलब हो गया करंट इनटू एरिया. एरिया ऑफ लूप कितना है, एक लूप का एरिया कितना है, 2R into L, होगा ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल की तरह आएगा ना, आएगा ही नहीं आएगा, ये सिलेंडर है, ध्यान रखो, समझ आ रही है, दिस इज सिलेंडर, तो 2R into L एक लूप के लिए हो गया, into number of turns के लिए n करेंगे, ये n non turns के लिए, and फिर इसके साथ sin theta multiply, sorry, B into sin theta आएगा, ये हो गया टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब ग्रेविटी का टॉर्क mg sin theta and that multiplied with R. दिख रही है, देखो साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ से आपको करंट की वैल्यू मिल गई. सो करंट इज कमिंग आउट बी एम जी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ बी एल इनटू एन, हो गया आंसर. तो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया. गॉट इट? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. सबको समझ तो आ रही है? यस सर. यस सर. कोई कुछ पूछ रहा है, शायद कुछ पूछ रहे हैं कोई? yes, sir. मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी एकदम बिल्कुल, बस मुझे ये पता चल रहा है कोई कुछ पूछ रहा है. मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे लिए? किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक मोमेंट. देखो करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, करंट का डायरेक्शन का जो प्लेन है उस प्लेन से परपेंडिकुलर. लूप का प्लेन देखो और लूप का प्लेन के परपेंडिकुलर देखो. करंट का डायरेक्शन मैंने तो दिखा रखा है. हाँ सर. क्या? हाँ सर. करंट का डायरेक्शन दिख रहा है. हाँ तो करंट का डायरेक्शन का जो प्लेन है उस प्लेन से परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा? सिलेंडर का डायमेट्रिक जो क्रॉस सेक्शन है, वो डायमीटर वाला जो क्रॉस सेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर क्या दिखेगा आपको? नहीं दिख रहा आपको? ऊपर की तरफ आ रहा है. अरे आपकी फिंगर्स क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे इस डायग्राम के लिए? करंट के डायरेक्शन में अगर टर्न करोगे तो क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा फिंगर, करंट का डायरेक्शन देखो. हां एंटी क्लॉकवाइज. तो थंब तो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर अगर घुमाओगे फिंगर्स को तो थंब तो ऊपर की तरफ ही आएगा. आपको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना नहीं आता है क्या अपने फिंगर्स को? नहीं सर आता है. तो फिर थंब किधर आ रहा है? ऊपर नहीं आ रहा है थंब? हाँ सर. ठीक है सर. एक्सप्रेशन देखिए. ये स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ एल, और हमने ये एंगल को थीटा मार्क कर रखा है एक्स एक्सिस के साथ, और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म फील्ड भी दे रखा है, वो बी अलोंग एक्स एक्सिस है, एंड इसमें पूछा है द लूप इज रिलीज्ड फ्रॉम पोजीशन शोन, पोजीशन शोन पहला फाइंड इनिशियल टॉर्क एंड दूसरा के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी आपको निकालनी है. देखो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू आप निकाल पाएंगे? टॉर्क कितना आएगा? व्हाट इज द टॉर्क?
mb cos theta. गुड, क्योंकि थीटा यहाँ पे जो एंगल दिया है वो प्लेन और बी के बीच का दिया है, बट हमें प्लेन और बी के बीच का नहीं चाहिए होता, हमें कौन सा चाहिए होता है? प्लेन और बी, प्लेन के नॉर्मल के साथ और बी का एंगल, राइट? है ना? यस सर. तो अगर मैं इसका नॉर्मल ड्रॉ करता तो ऐसा आता ना, देखो तो ये आता ना डायरेक्शन आता, राइट? ये एम का डायरेक्शन देखो, अपने फिंगर्स को राइट हैंड के, आई मीन अपने राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो एंड फिर आपको देखो एम का डायरेक्शन मिल जाएगा, दिख रही है? यस सर. ये एम और बी के बीच का एंगल देखो कितना हो गया, ये एम और बी के बीच का एंगल थीटा, थीटा या 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आ गया ना? ठीक है. सो पहला पार्ट के लिए आंसर, जो हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क इनिशियल जो है दैट विल बी एम डी इनटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा नहीं होगा, कॉस थीटा हो जाएगा. यहां पे एम की वैल्यू करंट इनटू एरिया, सो आई इनटू एल स्क्वायर कर लेंगे into b into cos theta जाएगा. Got it? Yes sir. ठीक है, अब k max निकालनी है, तो k max निकालने का तरीका तो आपको ऑलरेडी सिखाया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू. k इनिशियली जीरो है क्योंकि रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ एम बी इंटू कॉस ऑफ 90 minus theta is equal to K max and potential energy minimum is minus of MB. So therefore, K max becomes MB into 1 minus of sine theta. And MB to aapko pata hai, this is current into area into B into 1 minus of sine theta. Ho gaya sir. Clear hai? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है, आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. कनेक्टिविटी के लास्ट टॉपिक मैंने जो पढ़ाया था आपको, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको एक चीज बोली थी, आपको याद है कि जो एमीटर वोल्टमीटर्स ये सब होते हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ही मेजर कर पाते हैं करंट, याद है आपको? यस सर. करंट कैरिंग लूप जो है वो एक, करंट कैरिंग लूप जो है वो खुद एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जिसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एंड वो लूप को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उसकी वजह से एक टॉर्क लगता है, टॉर्क लगने की वजह से वो घूमता है. एंड अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था टॉर्क प्रोपोर्शनल टू करंट होता था, ये हमने ऑलरेडी आज डिराइव किया ना कि करंट कैरिंग लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क आ रही है एम बी साइन थीटा, एंड एम की जो वैल्यू है वो तो करंट इनटू एरिया ही तो लिख रहे ना, है नहीं है? Yes, sir. तो इसीलिए ये वाली पार्ट को आज एग्जैक्टली वो एक्सप्रेशन कैसे आता है उसको एक बार दिखाएंगे आपको. एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी इम्पोर्टेंट. आवाज कट गई थी. ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं है, मैं लास्ट क्लास के बारे में ही बात कर रहा था. सो अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट सेटअप है, मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसको मैं एक बार ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप, सेटअप कुछ ऐसा होता है कि जैसे दो बार मैग्नेट्स होते हैं, बार मैग्नेट्स मतलब एग्जैक्टली बार मैग्नेट्स नहीं होते, वो हॉर्सशू मैग्नेट्स होते हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट होते हैं. क्यों होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. जैसे मान लेते हैं एक नॉर्थ पोल दिखा रखा है यहाँ पे और यहाँ पे एक साउथ पोल दिखा रखा है, और इनके बीच में हमारा वो कॉइल जो है वो सस्पेंडेड होता है, मतलब जिसको गैल्वेनोमीटर का कॉइल कहते हैं. वैसे तो इसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे बट मैं ज्यादा टर्न्स दिखा नहीं रहा हूँ, डायग्राम हमारा गंदा होगा. ये से निकल जाएगा. आपको डायग्राम समझ आ रही है? Yes, sir. तो यहाँ पे करंट आई आएगा, तो ये लूप में आपको करंट ऐसा दिखेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से करंट बाहर भी निकल जानी है.
जैसा कि मैंने बोला आपको, ये जो हमने मैग्नेट्स यूज किया है ये बार मैग्नेट्स नहीं है, ये सिलेंड्रिकल शेप के हैं, सिलेंड्रिकल शेप्ड बार मैग्नेट्स है या मैग्नेट्स। अभी बस मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, एंड ये आपका कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर बोलेंगे इसको, दिस इज कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये एक जगह से बीच से लटका हुआ होता है, जहां से ये लटका हुआ होता है उसको फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप कहते हैं। यहाँ पे एक सस्पेंशन स्ट्रिप होती है, दिस इज फॉस्फर ब्रॉन्ज, ये मटेरियल है बेसिकली। अभी एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता रहा हूँ, वर्किंग नहीं समझा रहा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इतना आपको याद रखना है। अब सबसे पहली चीज है कि एक एक करके सारा का डिस्कशन करेंगे। पहले आपको ये बताते हैं सिलेंड्रिकल शेप का मैग्नेट हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसके समझने के लिए पहले सिलेंड्रिकल शेप का एग्जैक्ट व्यू ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर हम सिलेंड्रिकल शेप के मैग्नेट को ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा दिखना है आपको, ये देखो ये है सिलेंड्रिकल शेप का मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। आपको समझ आ रही है सिलेंड्रिकल शेप क्यों बोल रहे हैं इसको? यस सर। अब ये सिलेंड्रिकल शेप लेने से एडवांटेज क्या होगा और वो एडवांटेजेस कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। सिलेंड्रिकल शेप का मैग्नेट हमारे लिए क्या इंश्योर करता है? पहला चीज ये है कि जैसे नॉर्मली अगर आप बार मैग्नेट लोगे, जैसे ये नॉर्मल बार मैग्नेट्स लोगे, तो ये नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल अगर दिखाते हो आप, तो फील्ड लाइंस आपको ऐसे दिखाने पड़ेंगे जैसे आप यू नो इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए दिखाते हैं, प्लस से माइनस की तरफ ऐसा कुछ एक फील्ड लाइंस आपको दिखेगा। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट कर रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रही है? ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करेगा, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करेगा तो एम और बी के बीच में एंगल जो है वो लगातार मतलब हर एक लोकेशन पे चेंज होता रहेगा। दिख रही है आपको? दिख रही है? Yes, sir. तो टॉर्क की एक्सप्रेशन में टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा अगर यूज करते हैं, पहली चीज तो ये है एम बी साइन थीटा में बी यूनिफॉर्म होगा तभी यूज कर सकते हैं, अगर बी नॉन यूनिफॉर्म होगा तब यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये भी प्रॉब्लम है कि टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा में अगर थीटा खुद वेरिएबल हुआ तो टॉर्क सिर्फ करंट पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो थीटा पे भी तो डिपेंडेंट होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, बट अगर हम उसमें सिलेंड्रिकल शेप का मैग्नेट लेते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारा ओवरकम हो जाएगा। अब कैसे ओवरकम होगा, इसका टॉप व्यू एक बार मैं आपको दिखाता हूं, इसका टॉप व्यू दिखाता हूं, इस मैग्नेट का टॉप व्यू एक बार देखो, इसमें हम इसको बेटर समझ पाएंगे। तो टॉप व्यू में अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ दिखना है हमें, देखो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। अब इसकी जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करोगे ना, ये कुछ ऐसा दिखना है आपको, नॉर्थ पोल से निकलेगा एंड साउथ पोल पे टर्मिनेट करेगा, नॉर्थ पोल से निकला
साउथ पोल पे टर्मिनेट किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। ठीक है, तो ऐसे फील्ड लाइंस आपको मिलेंगे। देखो मैंने लाइंस तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीन ड्रॉ किया है, वैसे आप और भी लाइंस आप इमेजिन कर सकते हो। ये देखो ऐसे लाइंस भी आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं। ऐसे चार पांच लाइन ही तो सिर्फ थोड़ी ना होगा, यहाँ पे तो मतलब लाखों लाखों लाइंस होंगे, होंगे नहीं होंगे इस छोटे से स्पेस में? क्योंकि कोई भी जगह खाली नहीं रहेगा, मतलब एकदम टाइटली पैक्ड आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। अब टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर दिखने से बेसिकली कैसा होगा, जैसे आप सोचो इसमें आपको स्ट्रक्चर फील कैसा होगा, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, इतना गैप भी नहीं होगा, इतना गैप तो दिखेगा नहीं, ये बहुत बड़ा गैप मैंने बना दिया बीच में, ऐसा ही कुछ होगा ना, मतलब टाइटली और टाइटली पैक्ड आप इमेजिन करो। समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं? इट्स काइंड ऑफ अ बंच ऑफ हेयर ना, जैसे आप इमेजिन करो लड़कों का हेयर इमेजिन नहीं करना, लड़कियों का हेयर इमेजिन करना है। लड़कियों का हेयर इमेजिन करो और इमेजिन करो बीच में ऐसे चोटी बांध दो, यहाँ पे ऐसा एक चोटी बांध दो, चोटी समझते हैं आप, मतलब एक रबर बैंड लगा दो। समझ आ रही क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। तो अभी रबर बैंड ऐसे लगा दिया, तो देखो एक साइड से हेयर इन हो रहा है और दूसरे साइड से हेयर आउट हो रहे हैं, दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है, अब ये लाइंस का अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसा अपीयरेंस होगा, देखो ऐसा अपीयरेंस होगा, मैं कह रहा हूँ कि फील लाइन आपकी इधर से जो आ रही है, देखो इधर से जो आ रही है वो ऐसा अपीयर होगा कि इधर से जो फील लाइन आया वो अपीयर होगा इधर चला गया, फिर अपीयर होगा कि जो फील लाइन इधर से आया वो इधर चला गया, जो फील लाइन इधर आया वो देखो इधर चला गया, जो फील लाइन इधर आया वो इधर चला गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया इसके लिए, ये इधर चला गया, देखो दिख रही है आपको? समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. तो ऐसा अपीयरेंस होगा। देखो ये लाइंस अगर हम कम ड्रॉ करेंगे तो हमें ये फील नहीं होगा, अगर लाइंस का नंबर बहुत ज्यादा रखोगे तब आपको ये फील होगा कि जो लाइन आपका नीचे से आ रहा है लग रहा है ऊपर चला जा रहा है। आप इसको इनको तभी फील कर पाओगे जब आप इमेजिन करो कि ये दोनों मतलब जो ऊपर वाले और नीचे वाले जो फील लाइंस मैंने दिखा रखे हैं उनको आप नीचे की तरफ पुल करके लेके आओ, मतलब ऊपर वाले को नीचे पुल करके लाओ और नीचे वाले को ऊपर पुल करके लेके जाओ, तो आपको समझ आ जाएगा वो। समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे आ रहा, ऐसे चला गया और ये इधर से ऐसे आया और ऐसे चला गया, तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि इधर से आया इधर चला गया ऐसा? Yes, फिर ऐसा नहीं लग रहा इधर से आया और इधर चला गया, ये समझ आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह के फील लाइंस को हम कहते हैं रेडियल फील लाइंस। रेडियल फील लाइंस मतलब कि सेंटर से अगर आप एक सेंटर के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो फील लाइंस हमेशा आपको किसी ना किसी रेडियस के अलोंग ही दिखेगा, दिख रही है आपको? Yes, तो इस फील लाइन का अपीयरेंस कैसा है? The field lines appear. Appearance is radial field lines. Appearance of field lines is radial. अब रेडियल जब हम कह रहे हैं तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे ये आपका एक सिलेंड्रिकल शेप, तो थोड़ा सा this is north, this is south. और फील लाइन्स जो आपको अपीयर होंगे वो कुछ ऐसे अपीयर होंगे कि इधर से आए, फील लाइन्स एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करते बट यहाँ पे अपीयरेंस ऐसा होगा कि जैसे वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है।
देखो आपको बात समझ आ रही है? Yes, sir. समझ आ रही है? आप ध्यान रखना, फ्रीलांस एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करते, बट आपको अपीयरेंस ऐसा होगा कि ये फ्रीलांस एक्चुअली इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब इससे एडवांटेज क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। फ्रीलांस अब रेडियल तो मिल गया आपको, अब आप किसी भी ओरिएंटेशन में अपने लूप को प्लेस करो। आप याद करो ये हमने टॉप व्यू ड्रॉ किया था, याद है आपको टॉप व्यू था ना ये? यहाँ पे याद करो आपका ये लूप भी लटका हुआ है, जो यू नो कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर है वो लटका हुआ है। अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो कॉइल के आपको जो ऊपर के एजेस हैं वो दिखेंगे ना आपको, दिखेंगे? Yes, तो वो एजेस आपको ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो किसी भी एक ओरिएंटेशन पे अगर ले रहे हैं, किसी भी ओरिएंटेशन पे रैंडम ओरिएंटेशन ले रहे हैं, तो ये देखो ये आपको ऐसा दिखना है। ये रेड कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारा गैल्वेनोमीटर का कॉइल है, ये देखो। समझ आ रही है आपको? Yes, sir. ये रेड कलर से जो दिखा रखा है ये दिस इज कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर आप नोटिस करोगे तो जो कॉइल जहां पे रखा हुआ है उस लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके प्लेन में है, दिख रहा है आपको? उसके दूर में नहीं, उसके दूर की बात नहीं कर रहे हैं, दूर में डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट कॉइल को जो टॉर्क देगा वो तो उसके प्लेन का ही फील्ड देगा ना, राइट? Yes, right? तो देखो ये फील्ड जो है ये आप इस ओरिएंटेशन में रखो या किसी और ओरिएंटेशन में रखो, अगर किसी और ओरिएंटेशन में रखते, अगर मान लो ऐसे रखते तो भी देखो वो किसी ना किसी डायमीटर के अलोंग ही तो होता ना, होते नहीं होता? Yes, sir. समझ आ रही है आपको? Yes, sir. आके यहां से यहां रख दो, सोचो यहां से यहां रख दो, तो देखो अब ये वाला फील्ड के अलोंग है, दिख रहा है आपको? वो भी तो एक डायमीटर के अलोंग है। Yes, समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि ये किसी भी ओरिएंटेशन पे रहे, कॉइल किसी भी ओरिएंटेशन पे रहे, इसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपका फिक्स्ड है, और वो कितना है? 90 डिग्री है। मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दिख रही है आपको? Yes, समझ आ रही है? इसीलिए इसको अपीयरेंस ऐसा होगा कि फील्ड क्या है इसके लिए, यूनिफॉर्म है इसकी अपीयरेंस, इसको अपीयर होगा एक्चुअली फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन में तो चेंज हो ही रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जाओगे तो डायरेक्शन में चेंज हो रही है, बट जब हम कॉइल को टर्न कर रहे हैं तो कॉइल के लिए हमेशा फील्ड उसको प्लेन में ही मिल रहा है, और इसीलिए एंगल फिक्स्ड है, और मैग्नीट्यूड जो है वो हर जगह पे सेम है, क्योंकि ये रेडियल फील्ड लाइंस आपको मिल रही है, स्पेसिंग हर जगह एक जैसी दिख रही है। गेटिंग इट और नॉट? यस सर। ठीक है, सो दैट्स, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि यू नो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि सिलिंड्रिकल शेप के बार मैग्नेट से एडवांटेज क्या है। सो सिलिंड्रिकल शेप, सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट्स इंश्योर रेडियल फील्ड लाइंस, रेडियल field lines due to which pehla the loop always appears in plane of b vector of magnet, dusra the magnitude of field appears uniform. Therefore, irrespective of the orientation of loop, अगर हम torque की value की बात करें तो torque will be bina sin 90 and therefore this becomes bina. ठीक है, this is torque of magnetic field. अब ये torque को कौन balance करेगा? इसकी वजह से coil आपका क्या होगा? घूमेगा. But याद है यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक phosphor bronze strip लगा हुआ था, तो जब वो twist होगा तो वो क्या करेगा? एक restoring torque वहाँ पे generate करेगा. और अगर वो restoring torque generate करेगा, ओह, just a second. एक मिनट, तो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप अगर हमने लगा रखा है यहाँ पे,
तो उससे क्या होगा कि जब ये ट्विस्ट होगा, जब लूप ट्विस्ट होगा, तो उसके साथ साथ फॉस्फेट ब्रॉन्ज स्ट्रिप भी ट्विस्ट होगा। अगर वो ट्विस्ट होगा तो क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगा, और जहां पे उसका रिस्टोरिंग टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क अगर बैलेंस हो गया तो उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझ आ रही है? तो ड्यू टू दिस टॉर्क, मतलब ये दिस टॉर्क मतलब मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क, दिस टॉर्क द लूप रोटेट्स which in turn produces twist in the phosphor bronze strip and this produces a restoring torque, on loop given by torque restoring will be C into phi. Yes, so C into theta ही लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, theta ही ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, phi रहने दो, आप phi ही हमेशा लिखते थे। तो ये आपका twist angle है, this is twist angle, मतलब ये twist angle कैसे measure करते हैं, डिफ्लेक्शन शोन इन नीडल। नीडल समझ रहे हैं आप, कॉइल के साथ ही बेसिकली क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल दिखा रखा था वो कॉइल के साथ एक नीडल लगी हुई होती है। ऐसे देखो आप, मुझे देखो फिर समझ आएगा। जैसे ये सोचो कि मेरा हाथ को, आप सोचो कि प्लेन ऑफ कॉइल है, तो प्लेन ऑफ कॉइल के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे एक नीडल लगा दिया, दिस इज द नीडल। तो अगर प्लेन ऑफ कॉइल टर्न करेगा तो नीडल भी तो टर्न करेगा ना। समझ आ रही है? जितना ट्विस्ट आपके कॉइल में आएगा उतना ही तो बेसिकली नीडल भी घूमेगा। समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो वो ट्विस्ट एंगल जिसको आप मेजर करना चाहते हैं वो आराम से मेजर कर सकते हैं। वहां पे बस आप उसके साथ कॉइल के साथ क्या करिए, एक नीडल लगा दीजिए, और नीडल जितना ट्विस्ट होगा उसी से पता चलेगा कितना ट्विस्ट आया। ठीक है? यस सर। ठीक है, और ये सी तो आपको पता है, दिस इज टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, याद है आपको? मतलब कि जब आपका कॉइल और टर्न नहीं कर रहा है तो हम ये लिख सकते हैं टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी बैलेंस्ड विद रिस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वॉज बीना एंड रिस्टोरिंग टॉर्क वॉज सी इंटू फाइव, सो देयरफॉर करंट की वैल्यू अगर हम निकालें तो याद आएगा सी बाई एन बी ए इंटू फाइव। अगर आप नोटिस करोगे तो करंट प्रोपोर्शनल टू फाई आ गया है, दिख रही है आपको? यस सर। है ना, और ये तो मैंने आपको बताया था, याद है आपको, कि जो डिफ्लेक्शन आती है वो डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, याद है आपको? यस सर। यस सर। तो ये चीज हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। इसमें अब करंट सेंसिटिविटी डिफाइन करेगा, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का डिफाइन कर रहे हैं, इसको I sen लिख रहे हैं। करंट सेंसिटिविटी क्या होती थी, याद है आपको? करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, याद है आपको? यस सर। राइट सर। करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन या फिर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। आप लॉजिकली सोच के देखो ना, मैं गलत बोल रहा हूँ तो फिर आप हाँ हाँ करते जा रहे हो। मैंने आपको क्या लॉजिक बताया था, अगर छोटे करंट के लिए बड़ा डिफ्लेक्शन आए तभी तो बोलते थे ना ज्यादा सेंसिटिव है, राइट? यस सर। तो करंट को छोटा रखो और डिफ्लेक्शन को बड़ा रखो, तो क्या ये रेशियो बढ़ाएगा या छोटा हो जाएगा? उल्टी पुल्टी हर चीज में हाँ हाँ करते रहते हो। तो करंट सेंसिटिविटी निकालनी है तो आपको 5 बाई आई करनी है, और 5 बाई आई करोगे तो क्या रेशियो मिलेगा, देखो एन बी ए डिवाइडेड बाई सी मिलेगा, दिख रही है आपको? ये रेशियो आपको याद रखनी है, ठीक है? ये रेशियो कई बार आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए बोल देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो करंट सेंसिटिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं, करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय क्या करना है आपको, इंक्रीजिंग एन बी और ए या फिर डिक्रीजिंग सी, है या नहीं है? yes, sir. अगर हम सी yes, को कम रखेंगे, अगर हम सी को रखेंगे कम तो आपका ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर मिलेगा, यही तो मतलब निकल रहा है ना? yes, sir.
और फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का जो मटेरियल हमने चूज किया था वो इसी वजह से किया था, क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का जो मटेरियल है उसका टॉर्शनल कांस्टेंट बहुत कम होता है, मतलब उसमें बड़े डिफ्लेक्शन पे भी एक छोटा सा टॉर्क ही जनरेट करता है। इससे क्या होगा, आपका गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव होगा। बट अगर सोचो कि अगर ये आप उल्टा चूज करते, अगर एक ऐसा यू नो स्ट्रिप चूज करते जिसको रोटेट करना या ट्विस्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता, तो अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता तो उस केस में डिफ्लेक्शन तो आसानी से आता नहीं। क्या आसानी से डिफ्लेक्शन आता नहीं, समझ आ रही है? तो इसी वजह से आपको हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर रखने के लिए हमने क्या किया था, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का मटेरियल चूज किया था। सो ये चीज का ध्यान रखना है। सो देयरफॉर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। सो फॉर देयरफॉर फॉर हाई सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप was used since it has very low torsional constant, okay. अभी अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? बेन बाय सीआर। वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए, सेंसिटिविटी, तो इसको वी से लिख रहे हैं, ठीक है? एंड दैट विल बी इक्वल टू, अब कैसे निकालोगे इसको, करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यही करना पड़ेगा ना? यस सर, राइट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज मेजर्ड बाय द यू नो डिवाइस, एंड इसको कैसे निकालोगे, phi डिवाइडेड बाय I इनटू R करोगे, यही करोगे? यस सर। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर हो जाएगी, कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है? दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो इसको आप ऐसे ले सकते हो, दिस इज एन बी ए डिवाइडेड बाय सी इनटू आर, ये आ जाएगा ना, आएगा? Yes, sir. इसको yes, चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस, ऐसे भी तो ले सकते हैं, है ना? Yes, sir. तो अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ानी है तो क्या करोगे आप, एन बी ए इसको इंक्रीज करोगे या फिर सी और आर को डिक्रीज करोगे, यही है ना? यस सर। यस सर। गलत। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं, मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स हम इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी तो प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा, जैसे एक लूप का जितना रेजिस्टेंस होगा, दो लूप में तो डबल हो जाएगा ना रेजिस्टेंस, होगा ही नहीं होगा? यस सर। तो एन बाय आर क्या इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स आप डबल करते हो तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, तो रेशियो चेंज हुआ या अनचेंज हो गया? अनचेंज हो गया। तो ये थ्योरेटिकली, ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बट इफ यू आर टॉकिंग ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। बात समझ आई आपको? यस सर। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, द वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी cannot be increased by increasing the number of turns since resistance of coil would increase proportionally, ठीक है? Yes, sir. ध्यान रखिएगा। बट आपको एक और चीज याद है कि हम जब वोल्टमीटर बनाते थे गैल्वेनोमीटर से तो उसमें सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ते थे, याद है? High resistance in series, याद है? Yes, sir. Yes, sir. वो high resistance in series को अगर हम change करते हैं, तो
तो क्या हमारा नंबर ऑफ टर्न्स अफेक्टेड होगा? अगर वो जो सीरीज रिलेशन हम कनेक्ट कर रहे थे, अगर हम उसी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो क्या हमारा नंबर ऑफ टर्न्स अफेक्टेड होगा? नहीं सर, समझ आ रही है? तो उससे नंबर ऑफ टर्न्स अफेक्ट नहीं होंगे। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को आप रेजिस्टेंस ऑफ यू नो वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बोल रहे हैं, गैल्वेनोमीटर नहीं बोलना चाहिए, वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस चेंज करके आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं। समझ आ रही है? ठीक है, इस बार ये नहीं बोलना कि हाँ ठीक है सर, नंबर ऑफ टर्न्स आपने चेंज किया, नंबर ऑफ टर्न्स हमने फिक्स रखा, वो सीरीज रेजिस्टेंस को चेंज करके हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी को चेंज किया है। ठीक है, अब उस पे बेस करके एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये पॉपुलर सा क्वेश्चन है। जैसे ऐसे सोचो, दी करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी इज अ कॉमन नेम, एमसीजी मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इंक्रीजेस by 20% when the resistance of voltmeter is doubled. By what factor does the voltage sensitivity change? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये पता है वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम क्या लिखते हैं? करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये लिखते हैं ना? Yes, लिखते हैं। तो नई वैल्यू अगर लिखें वोल्टेज सेंसिटिविटी की, वी सेंड डैश लिख लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे करंट सेंसिटिविटी नई वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय नई रेजिस्टेंस, इसको 2R लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। और करंट सेंसिटिविटी उसने बोला है कि 20% इंक्रीज कर गया है, मतलब इसको लिख सकते हैं 1.2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू, लिख सकते हैं? यस सर। एंड डिवाइड बाय 2R कर लिया, तो अगर आप देखोगे तो यार ये 0.6 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू, एंड 0.6 मतलब यहाँ पे उसने पूछा था किस फैक्टर से चेंज किया, तो हमारा फैक्टर कितना हो गया? 0.6 हो गया, है ना? समझ आई आपको? यस सर। यस सर, क्लियर है ना सभी को? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए करंट कैरिंग वायर की वजह से। द लॉ इज यूज्ड, the law is used to calculate magnetic field due to current carrying wires. अब कैसे calculate करते हैं उसकी बात करते हैं। यहां पे क्या होगा कि आपको कोई भी एक current carrying wire दी हुई होगी, they would give you the current carrying wire, मान लेते हैं ये हमारे पास एक current carrying wire है, इसमें current हमें I की तरफ दिखा रखी है, और इसकी वजह से हमें क्या बोल रखा है उन्होंने, उन्होंने बोला है कि कोई एक point दे दिया, arbitrary point P, और बोला point P पे आप magnetic field calculate करके बताओ कितनी आएगी। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक छोटा सा current element choose करना पड़ता है इस length पे, मतलब current carrying wire के length पे हमें एक छोटा सा current element choose करना है। ये करंट एलिमेंट की अगर आप बात करें तो इसको हम आईडीएल वेक्टर की तरह जैसे दिखा रहे थे वैसे दिखाएंगे। इस करंट एलिमेंट से आप पॉइंट पी को कनेक्ट करते हो, करंट एलिमेंट से पॉइंट पी को कनेक्ट किया और इसकी पोजीशन वेक्टर को आर दिखाया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज विथ रिस्पेक्ट टू द करंट एलिमेंट, एंड करंट एलिमेंट खुद एक वेरिएबल पॉइंट है, तो जैसे जैसे करंट एलिमेंट चेंज होगा आर वेक्टर भी चेंज होगा। तो इस केस में इस आईडीएल वेक्टर के साथ, इस करंट एलिमेंट के साथ जो पोजीशन वेक्टर हमने पॉइंट पी का ड्रॉ किया हुआ है उसको हमने एंगल पे थीटा पे दिखा रखा है। तो अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट इसको डीबी वेक्टर कह रहे हैं, एंड दैट डीबी वेक्टर इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई
into I dl cross r and divided by r cube आती है. ठीक है, ये experimental law है, मतलब इसमें समझाने का कुछ नहीं है, law को आपको याद रखना है. और since cross product से मिल रहा है तो dl और b, dl और r उनका जो plane बन रहा है उस plane के perpendicular मिलेगा. तो dl और r का जो plane है वो तो plane of screen ही है, और उसमें अगर आप cross product use करोगे तो आपको अंदर की तरफ direction मिलेगा. दिख रहा है आपको? दिख रही है? Yes, sir. Yes. Okay. तो डायरेक्शन आपके अंदर की तरफ ऐसे आप निकाल लेंगे एंड आपको मैग्नीट्यूड यहां से मिल जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट करके. सो देयरफॉर अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आपको इसी का इंटीग्रेशन करना पड़ता है. इंटीग्रेशन ऑफ डीबी करेंगे एंड दिस विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस आर एंड डिवाइडेड बाय आर क्यूब लगा लेंगे. अगर सिर्फ अगर डीबी का मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ डीबी की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो डीबी की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप लिखोगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड ये हो जाएगा आई इंटू डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर में आर एक रहता और नीचे में आर क्यूब रहता तो एक कट जाता. दिख रही है आपको? दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है पहले आपको ये दिखाते हैं, एक छोटा सा एप्लीकेशन दिखाता हूँ. पहले मान लो एक ऐसा सिचुएशन दे रखा है, a small current element, a small current element of 2 ampere centimeter is placed along x axis and located at 3 I cap plus 4 J cap in centimeters. Find magnetic field at origin. Origin पे आपको field निकालनी है. ठीक है, आप इसका डायग्राम सोचो कि इसका सिचुएशन को डिस्क्राइब करता हुआ एक डायग्राम ड्रॉ कर लो. यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, और एक करंट एलिमेंट है हमारे पास, दिस इज आईडीएल, एंड इसकी पोजीशन वेक्टर मुझे दे रखी है, दिस इज पोजीशन वेक्टर आर. हमें जो फॉर्मूला हमने सीखा है यहाँ पे, देखो ये जो फॉर्मूला सीखा है इसमें आर वेक्टर कौन सा पोजीशन वेक्टर होता था? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी जहां पे हमें फील्ड निकालनी थी, एंड किसके रेस्पेक्ट में? उस करंट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में. आपको दिख रहा है? कैन यू सी दिस? दिख रही है सभी को? यस सर. इस डायग्राम को चेक करो, क्या यहाँ पे वैसा ही है? करंट एलिमेंट इज आईडीएल, बट क्या आर वेक्टर ओरिजिन का पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट या उल्टा? उल्टा. हमें जो आर वेक्टर चाहिए वो किसकी चाहिए? हमें चाहिए पोजीशन ऑफ ओरिजिन विथ रेस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, ये चाहिए ना हमें. क्योंकि ओरिजिन पे फील्ड निकालनी है तो हमें तो ये वाली लाइन चाहिए. देखो ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली लाइन को क्या हम माइनस ऑफ आर वेक्टर लिख सकते हैं? समझ आ रही है आपको? तो अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन पूछोगे, मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन अगर पूछे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आईडीएल क्रॉस आर एंड डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यही तो लिखोगे आप. समझ आ रही है? Yes. अच्छा, मी नॉट बाई 4 पाई का मैंने आपको वैल्यू नहीं बताया, आप याद रखना मी नॉट बाई 4 पाई की जो वैल्यू है ये 10 टू द पावर माइनस 7 होती है इन SI, ठीक है, SI यूनिट में. ठीक है, तो उसको यूज करेंगे. तो ये वाली वैल्यू हो गई 10 टू द पावर माइनस 7. आईडीएल का जो मैग्नीट्यूड उसने दे रखा था वो 2 एम्पियर सेंटीमीटर दे रखा था, तो 2 एम्पियर सेंटीमीटर लिखो. एंड डायरेक्शन किस तरफ था उसका? एक्स एक्सिस मतलब आई कैप. एंड ये आर वेक्टर नहीं चाहिए हमें, ये हमें क्या चाहिए? माइनस आर वेक्टर चाहिए ना? यस सर. तो हमें ये आर वेक्टर नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको? माइनस ऑफ आर वेक्टर लिखना है. देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस आर वेक्टर घुसाया है. समझ आ रही है आपको? यस सर. ठीक है, तो इसके साथ क्रॉस करेंगे. आर वेक्टर क्या था हमारे पास? 3i कैप शायद था, 3i कैप 4j कैप, तो ये लिखेंगे तो 3i कैप प्लस 4j कैप, ये सेंटीमीटर में आएगा. एंड फिर इसके साथ हमें डिवाइड करना है आर क्यूब को. आर क्यूब आएगा आपका रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर,
सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड ये सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा. अच्छा इसका क्यूब भी करना है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. सही है ना. देखो एक बार चेक करो यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको. समझ आ रही है. यस सर. ऊपर में देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर दो बार हो गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और नीचे में एक सेंटीमीटर बच गया तो डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा 10 का माइनस 1 आएगा 10 का माइनस 2 आएगा. ठीक है. यस सर. तो ये हो गई 2 * 10 का माइनस 7 एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 125 and into 10 to the power minus 2 and यहाँ पे आ जाएगा आपका 3. अच्छा क्रॉस करना है ना क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया सो i क्रॉस i तो 0 हो जाएगा and i क्रॉस j क्या बनेगा k बनेगा ना i क्रॉस j. यस सर. अच्छा यहाँ पे मैंने माइनस लगाना भूल गया. देखो माइनस लगाना भूल गया मैं. ये माइनस आएगा माइनस भूल गया. ठीक है ये माइनस आ गया अभी तो अभी i क्रॉस j इज k सो माइनस k आ जाएगा. सो दिस इज माइनस ऑफ k 4k. देखो सही है. सही है. यस सर. तो अब आपको वैल्यू मिल गई है. सो दिस इज 2 4 8 8 बाय 125 एंड इनटू 10 टू द पावर -5 एंड दिस इज माइनस ऑफ के क्या आ रही है. ठीक है. इसको सिंपलीफाई करने का तरीका आप इजीली कर सकते हैं. इसको 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. 8 से ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि 125 * 8 एग्जैक्टली 1000 हो जाएगा. तो इसको आप लिख सकते हैं 8 8 64 एंड यहाँ पे 10 टू द पावर -8 हो जाएगा एंड ये हो गया आपका. सिंस सारा ऐसा ही यूज किया तो अब ये टेस्ला लिख लीजिए और यहाँ पे माइनस ऑफ के कैप लगा लीजिए. समझ आई. क्लियर है. यस सर. फॉर्मूला यूज करना सीखा आपने. यस सर. ठीक है. आईडीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब में आर वेक्टर क्या इंडिकेट करता है. R vector is the position vector of the point with respect to the current element. इसको ध्यान रखिएगा. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको ध्यान नहीं रहना है नहीं तो. R vector is position vector of P with respect to current element. अब बायट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन से कुछ मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशंस हम डेराइव करते हैं. वो डेरिवेशन वाले पार्ट को हम स्किप करेंगे क्योंकि आपको डेरिवेशन तो किसी ने पूछना नहीं है. हम बस उसके रिजल्ट्स को याद रखेंगे. ठीक है. तो मैं सिर्फ सिंपली उसके रिजल्ट को आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ. आप वो रिजल्ट को याद रखिएगा. स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड derived from Biot-Savart law. Pehla field due to a finite straight current carrying wire. यहाँ पे current carrying wire आई है and इसके साथ एक perpendicular distance R पे एक point दे दिया हमें. point P कह लेते हैं इसको. और ये point P दोनों एक्सट्रीम एंड पे डिफरेंट एंगल्स बना रही है. इधर पे एंगल मान लेते हैं थीटा 1 है और इधर पे मान लेते हैं थीटा 2 है. तो इस पे जब आप पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करोगे तो इसको लिखोगे आप म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इनटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2. ये लिखेंगे. ये हो गई मैग्नीट्यूड के लिए. जब आप डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप अपने राइट हैंड के कर्ल रूल को यूज करेंगे. इसमें करंट कैरिंग वायर की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इस वायर के चारों तरफ सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में होती हैं. फील्ड लाइंस आर सर्कुलर लूप्स सराउंडिंग दी करंट कैरिंग वायर. मतलब अगर मैं इसका टॉप व्यू अगर बोलूं आपको ड्रॉ करने के लिए तो कुछ ऐसा दिखेगा. इधर से आप अगर इसका टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू में आपको मैग्नेटिक फील्ड का दिखा रहा हूं सिचुएशन में आपको वो आप बेटर समझोगे.
इसका टॉप व्यू मैं दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू में आपको वायर जो है वो एक डॉट की तरह दिखेगा, एक डॉट है, करंट बाहर की तरफ आ रही है, इसलिए इसको एक सर्कल बना लिया, एंड अब इसके चारों तरफ आपको सर्कुलर लूप्स की तरह दिखाने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, तो इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर लूप बनाने हैं। क्या आपको समझ आ रही है? Yes, sir. और थंब अपना बाहर की तरफ रखो, क्योंकि करंट बाहर की तरफ है ना, तो थंब बाहर रखो, और थंब अगर बाहर रखोगे तो आपके फिंगर्स किस तरफ घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और फिंगर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो फील्ड भी आपका जो होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। देखो समझ आ रही है आपको? Yes, sir. Field lines are circular loops surrounding the wire. ठीक है, तो हमारा पॉइंट P जो था, पॉइंट P पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड का क्या बोलोगे? अंदर की तरफ। जैसे डायग्राम में अगर देखोगे तो मेन डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया था उसमें तो अंदर की तरफ आएगा ना। अपने थंब को आप क्या करो, ऊपर की तरफ रखो क्योंकि करंट ऊपर की तरफ है, और अपना राइट हैंड का पाम को देखो, पाम अंदर की तरफ जा रहा है ना, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो ऐसा है, देखो ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, आपको थंब इधर रखना है, थंब इधर रखोगे तो पाम देखो किस तरफ है, अंदर की तरफ है ना, दिख रही है तुम्हारी तरफ? दिख रहा है आपको? दिख रहा है? Yes, sir. उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे घूमते जाएगा, ये घूमता है ऐसे, ठीक है? तो आपको कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी ने बोला कि इस वायर के राइट की तरफ बताओ फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो राइट की तरफ अगर फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहे हैं तो राइट की तरफ अपने पाम को लेके जाना है, तो आप पाम अंदर की तरफ पॉइंट कर रहे हो तो बोलेंगे इधर है। मतलब अगर मैं अपने पाम के साथ देखो एक पेन अटैच कर देता हूँ, ये देखो मैंने अपने पाम के साथ देखो एक पेन अटैच कर रखा है, एक मिनट देखो, मैंने अपने पाम के साथ देखो एक पेन अटैच कर रखा है, तो जैसे जैसे मेरा फिंगर टर्न करेगा, मतलब पाम टर्न करेगा, देखो ये पेन भी टर्न कर रहा है ना, yes, दिख रही है? तो ब्लैक कलर की जो पेन मैंने यूज कर रखी है उसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैंने राइट का पॉइंट पूछा है तो राइट के पॉइंट पे फील्ड जो दिख रहा है वो अंदर की तरफ दिख रहा है। किसी ने फिर मुझे पूछा बताओ यहाँ पे सामने वाले पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो सामने में अपने पाम को पहले लेके जाएं, अब सामने लेके गए तो फिर पॉइंट फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ हो गया, मेरे लिए लेफ्ट की तरफ दिख रहा है। समझ आ रही है आपको? Yes, sir. फिर अगर कोई बोले मेरे वायर के लेफ्ट में बताओ फील्ड क्या है, तो वायर के लेफ्ट में अगर चाहिए तो वायर के लेफ्ट में अपने पाम को लेके आओ, अगर वायर के लेफ्ट में पाम को लेके आओगे इस तरफ आ जाएगा अभी, अब जो पेन है मेरी अंदर मतलब मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है। समझ आ रही है? तो चारों तरफ ऐसे घूम के फील्ड लाइंस ऐसे आ रहे हैं। समझ आ रही है आपको? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. So, आपको क्या करना है, आपको ऐसे ध्यान रखना है, राइट हैंड के कर्ल रूल को यूज करना है फिर से, बट इस बार आपको कुछ ऐसा काम करना है, आपको करंट कैरिंग वायर के अलोंग थंब रखना है, ये देखो ये है थंब के, थंब करंट के अलोंग, और अब आपको अपने फिंगर्स को कर्ल करनी है। समझ आ रही है आपको? Yes, sir. तो इसमें जो फील्ड लाइंस आपके बनेंगे वो देखो ये ऐसे इस वायर के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर लूप्स की तरह होंगे। समझ आई ना आपको? Yes, sir. ये ऐसे। So place your thumb along the direction of current, and the curling fingers will give you the sense of the magnetic field. Okay. अब इसी में ये जो expression हमने यहाँ पे लिख रखा है, mu naught I by 4 pi r and sin theta 1 plus sin theta 2. इसी में थीटा वन थीटा टू की वैल्यू को अगर हम चेंज करें तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते जाएंगे। जैसे मान लो अगर आपको लॉन्ग वायर के लिए निकालना है, किसी ने कह रखा है लॉन्ग वायर चाहिए, तो लॉन्ग वायर कहने का मतलब इनफाइनाइट होंगे, और अगर इनफाइनाइट होगा तो दोनों एंड्स आपको दिखेगा नहीं, अगर दोनों एंड्स नहीं दिख रहे तो थीटा वन और थीटा टू दोनों कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएगा। Yes, sir. और अगर दोनों 90 हो गए मतलब साइन 90 प्लस साइन 90 मतलब टू न्यूमिनेटर में आ जाना, टू न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर में 4 है, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, mu naught I by 2 pi r। समझ आ रही है?
Yes, sir. अगर ये infinite wire होता तो उस केस में magnetic field would have been mu not I by 2 pi r. Yes, sir. अगर ये semi-infinite होता, semi-infinite कहने का मतलब कि एक end आपको पूरा दिख, एक end आपको नहीं दिख रहा है, infinite है. Sir, screen freeze हो गया. Screen तो freeze किया हुआ है मैंने, मैंने तो कुछ लिखा नहीं है. Oh, sorry. ऊपर वाला end जो है वो आपका infinite है, but नीचे वाला जो end है उसके ठीक सामने आप खड़े हो. तो आपका थीटा टू जो है वो जीरो डिग्री हो जाएगी और थीटा वन जो है वो आपकी 90 हो जाएगी. तो एक 90 okay. और एक जीरो, तो फिर उस केस में आपका मेनोटाई बाई टू फोर पाई आर आपका आंसर हो जाएगा. तो वो सेमी इनफाइनाइट के लिए हो जाएगा. ठीक है, वो स्पेशल केसेस में जस्ट मैं लिख देता हूँ, बट सारा डेराइव इसी से हो जाएगा. तो इसमें स्पेशल केसेस की तरह लिख, स्पेशल केसेस, पहला लॉन्ग और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर. इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड करके दिखाते हैं, मतलब दोनों एंड्स आपको नहीं दिख रहे हैं ऐसे. इसमें करंट आई है और ये डिस्टेंस आपकी आर दे रखी है इससे, एंड इस पॉइंट पे आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो थीटा वन और थीटा टू दोनों ही इस बार 90 डिग्री है. तो देयरफॉर बी एट पॉइंट पी जब आप कैलकुलेट करोगे, इसको इनफाइनाइट के लिए लिख देते हैं, डायरेक्शन तो अंदर की तरफ आएगा, एंड बी इनफाइनाइट वायर की वजह से हो गई है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू आर हो जाना. यही अगर सेमी इनफाइनाइट ले, सेमी इनफाइनाइट हम लोग इस वायर के ठीक सामने यहां पे हैं. यहां पे पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस आर पे है, वायर हमारी नीचे में खत्म हो जा रही है. ठीक है, वायर एंड सियर, वायर एंड्स हियर. तो इस केस में अगर आप देखोगे तो थीटा वन आपकी 90 डिग्री है एंड थीटा टू आपकी 0 डिग्री है, एंड देयरफॉर बी एट पॉइंट पी निकालोगे तो उसको सेमी इनफाइनाइट करें, एस इनफाइनाइट निकले, तो हो जाएगी मी नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर हो जाएगी. ठीक है, ठीक है. यस सर, यस सर. एक और ऑफशोर पॉइंट, ऑफशोर पॉइंट फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर. सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए ऑफशोर पॉइंट का चाहिए. ऑफशोर पॉइंट का मतलब क्या है पहले वो बता देता हूं आपको. जैसे ये मान लो करंट कैरिंग वायर ऊपर इनफाइनाइट है, बट यहां पे वायर आपकी खत्म हो जाती है. दिस इज वायर एंड्स हियर, एंड्स हियर, बट पॉइंट जो हमें दे रखा है वो यहाँ पे, पॉइंट भी यहाँ पे है. तो अगर देखोगे तो जिस एंड पे वायर खत्म हो रही है उससे थोड़ा हटके है पॉइंट. दिख रही है आपको? Yes, दिख रही है सभी को? Yes, sir. तो इस बार आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इससे कनेक्ट करनी है इनको. और ये वाली एंगल को थीटा देखनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी ये आर हो जाएगी आपकी. ठीक है, ये आर हो जाएगी आर, आपको ये वाले डिस्टेंस लेनी है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा लेते हैं वायर से. तो इफेक्टिवली अगर देखोगे तो पहले हम क्या कर रहे थे, जैसे जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था, मैंने बताया था वो क्या था, ये आई था, पॉइंट पी यहाँ होता था और हम दोनों तरफ के एंड के साथ एंगल मेजर करते थे. तो एक तरफ का एंगल हम थीटा वन कहते थे, दूसरी तरफ का थीटा टू कहते थे. अगर सोचो कि जो नीचे वाला एंड है उसको हम छोटा करते जाए, मतलब नीचे वाला एंड को यहाँ लेके चले जाए, तो देखो थीटा टू छोटा हो गया. दिख रहा है आपको? दिख रहा है? Yes, yes, sir. फिर अगर नीचे वाले एंड को एकदम ठीक सामने लेके आ जाए तो देखो थीटा टू जीरो डिग्री हो गया. दिख रहा है आपको? और अगर इस पॉइंट को थोड़ा और ऊपर लेके चले जाए तो देखो थीटा टू अब नेगेटिव हो गया. दिख रहा है? क्योंकि थीटा टू पहले नीचे की तरफ लिया जा रहा था, बट अगर आप उस पॉइंट को अगर ऊपर लेके चले गए तो थीटा टू एक्चुअली तो नेगेटिव हो गया ना. समझ आ रही है आपको? तो इस केस में थीटा वन तो 90 है, थीटा वन अभी भी 90 है क्योंकि इनफाइनाइट है वो वाला एंड, बट थीटा टू जब सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो क्या लिखोगे, माइनस ऑफ थीटा लिखोगे. तो अब अगर एक्सप्रेशन लिखोगे तो बी की वैल्यू कितनी लिखोगे आप, मी नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर एन इनटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू था, तो साइन थीटा वन मतलब साइन 91 हो जाएगा एंड माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा. समझ आइए आपको? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर. ठीक है,
तो ये चीज का ध्यान रखेंगे. ऑफशोर पॉइंट के लिए आपका म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इनटू 1 माइनस साइन थीटा. आर ध्यान रखना आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है. कई बार आपको वो क्या करेंगे वो इधर से डिस्टेंस दे देंगे. अब अगर ये डिस्टेंस दे दिया तो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या है आर कॉस थीटा हो जाएगा ना. Yes, समझ आ रही है. तो इस चीज का ध्यान रखना कि उसने किस किस को दे रखा है यार, क्योंकि कई बार वो जो क्वेश्चन सेट करता है उसको पता है कि आप रटते हो सारी चीजों को, तो वो जानबूझ के आपको ऐसे डेटा देंगे जो कि आप कंफ्यूज करेंगे. उसने थीटा इधर से नहीं देके उसने थीटा इधर से दे दिया. अब अगर थीटा इधर से दे दिया तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा. समझ आ रही है आपको. यस सर. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना कि हमने जो थीटा ले रखा है, हमने जो आर ले रखा है वो कौन सा ले रखा है. हम थीटा हमेशा पॉइंट पी से मेजर करते हैं, पॉइंट पी से, वायर से नहीं मेजर करते, हमेशा पॉइंट पी से मेजर करते हैं वो वायर के दो एक्सट्रीमेंट्स का. और दूसरा है कि जो आर ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ठीक है. यस सर. ठीक है, ये हो गई आपकी स्ट्रेट वायर की एक्सप्रेशन. इससे काफी हो गया, काम हो जाएगा इससे हमारा. ठीक है, तो हमने स्ट्रेट वायर का कर लिया. अब हम दूसरे रिजल्ट पे जा रहे हैं. सेकेंड इज फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग ऑफ वायर. Field due to circular loop. इसमें करंट आई जा रही है, इसकी रेडियस आर है, ये इसका एक्सिस है, और एक्सिस के किसी पॉइंट पे हमें फील्ड फिर से निकालनी है. तो यहाँ पे एक पॉइंट पी ले रखा है और इसकी डिस्टेंस इस लूप के सेंटर से एक्स दे रखा है. यहाँ पे जब आप फील्ड कैलकुलेट करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना कि मैग्नेटिक मोमेंट का जिस जो डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन आपका फील्ड का भी होगा. मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, राइट की तरफ दिख रहा है आपको. देख रही है, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो लूप में तो आपको दिख जाएगा राइट की तरफ आ रही है, तो वही डायरेक्शन आपका फील्ड का भी होगा. ठीक है, सो इसको बी की तरह मार्क कर रहे हैं. और ये जो बी का एक्सप्रेशन आएगा, दिस बी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई इनटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2. ये रिजल्ट को भी अगेन आपको याद रखनी है. ठीक है, डेरिवेशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसका. आपको इस रिजल्ट को याद रखनी है कि अगर सर्कुलर लूप के लिए अगर फील्ड कैलकुलेट करनी है तो मे नॉट इनटू आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 कर लेंगे. ठीक है, इसको याद रखने का एक ट्रिक भी आपको बताता हूँ. मतलब ये रिजल्ट याद रखने इतना मुश्किल नहीं है. इसको तो आप याद रखेंगे ही, इनकेस अगर आपको याद नहीं होता है तो फिर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ. ट्रिक टू रिमेम्बर, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे रीअरेंज कर रहे हैं, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लें और इसके साथ करंट इनटू पाई आर स्क्वायर कर लें एंड डिवाइडेड बाय इसको आर क्यूब लिख लें, वेयर आर इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर लिया. ठीक है, देखो तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज 2 के एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब. ऐसा लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता है. यस सर. जहां पे k क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई. समझ आ रही है, m तो आपको पता है करंट इनटू एरिया है, राइट. यस सर. तो इसमें कैसे, इसमें क्यों रिलेट किया हमने, क्योंकि अगर आपको ये ध्यान हो तो करंट कैरिंग लूप जो है वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, याद है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो m, तो आपको पता है ना ऐसा कुछ है, राइट. अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअल पॉइंट ऑफ बार मैग्नेट है ना, दिख रही है आपको. यस सर. और इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए आपने पढ़ा था ना, एक्चुअल पॉइंट पे जो फील्ड निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 km by r cube लिखते हैं ना. यस सर. 2 kp by r cube. तो 2 देखो यहां पे वही चीज लिखा है. बस ये ध्यान रखना यहां पे, वहां पे अगर लिखते एक्चुअली अगर उससे पूरा रिलेट करते तो 2 km by x cube लिखना चाहिए था हमें, है ना. यस सर. बट वो 2 km by x cube तभी लिखते जब वो क्या होता, शॉर्ट डायपोल होता. समझ आ रही है, शॉर्ट डायपोल का था ना वो एक्सप्रेशन, याद है आपको. Yes. मतलब अगर ये करंट कैरिंग लूप का रेडियस अगर बहुत छोटा होता तब तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख रहे हो, उसी को तो ऑलमोस्ट एक्स स्क्वायर लिख सकते हो ना, मैंने एक्स लिख सकते हो. समझ आ रही है, अगर आर बहुत छोटा होता तो सर्कमफेरेंस के पॉइंट से भी डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या होता, एक्स ही तो होता ना. समझ आ रही है आपको.
ठीक है, तो बस ये ट्रिक है, उसको याद रख सकते हैं, मतलब इसको यूज करके आप याद आराम से रख पाएंगे, 2km by r cube की तरह याद रख पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है सभी को। यस सर। ओके, इसी में अगर आपको सपोजली सेंटर पे फील्ड चाहिए, सेंटर पे फील्ड चाहिए तो x जीरो ले लेंगे, अगर आपने x को जीरो ले लिया तो कितना आएगा देखो, तो mu not i by 2 pi 2 r आएगा क्या, देखो तो चेक करो। यस सर। आ रही है, तो ये इसका स्पेशल केस हो जाएगा, ये इसका स्पेशल केस हो जाएगा, स्पेशल केस, स्पेशल केसेस, फील्ड एट सेंटर, फील्ड एट सेंटर चाहिए। सो दिस इज अ करंट कैरिंग लूप, इसके सेंटर पे हमें फील्ड चाहिए, तो हमें बस x की वैल्यू को जीरो सब्स्टिट्यूट करना है, x की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको फील्ड एट सेंटर मिल जाएगी, सो फील्ड एट सेंटर विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन अंदर की तरफ दिख रहा है आपको, क्या बताया, मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही आपका फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपका फील्ड का भी है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू लूप एट एक्चुअल पॉइंट is along magnetic moment, and magnetic moment का direction तो आपको निकालना आता है, तो इसलिए मैं फिर से उसको नहीं लिखता हूँ, ठीक है। आपको right hand के fingers को current के direction में curl करना है, and जिस direction में thumb point करेगा वही direction आपका field का होगा, ठीक है? Yes sir. Yes sir. अच्छा, एक interesting चीज़ notice करो आप, जैसे ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट आई हमने दिखा रखा है और ये सेंटर है, मैं अगर इसके छोटे छोटे करंट एलिमेंट का अगर डिवीजन करता, ये छोटा सा करंट एलिमेंट सोचो, ये छोटी सी करंट एलिमेंट, ये आईडीएल है, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर आर होता, इसका डिस्टेंस आर मिलता, ये एंगल इसके साथ 90 है, वैसे अगर छोटा सा करंट एलिमेंट अगर यहाँ ड्रॉ करते, इसको आईडीएल लिखे, इसको फिर से यहाँ से कनेक्ट करें, तो ये पोजीशन वेक्टर फिर से आर दिखता, ये एंगल 90 होता। देखो तो ये करंट एलिमेंट में कहीं पे भी चूज करो, सारा सारा के लिए एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम आता या नहीं आता? यस सर। आता ही नहीं आता, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, देखो डायरेक्शन भी सबका सेम आता। अगर मैं डीबी निकालता, डीबी तो क्या लिखते हैं, बैट्स वट लॉ को यूज करो, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आईडीएल इंटू आर इंटू साइन 90 एंड डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यही लिखते हैं आप? यस सर। देखो ये कितनी आ रही है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IDL divided by R square, दिख रही है? Yes, sir. तो देखो ये सब का B का contribution same ही है, हर एक छोटे छोटे current element का B का contribution same है, तो इसी को जब आप integrate करते हो, यही B को जब आप integrate करते हो तो आपको net field मिलता है, तो ये क्या बोलता है, mu not by 4 pi into I into क्या हो जाएगा 2 pi R and divided by R square, यही तो लिखोगे आप, और देखो ये आ रही है exactly mu not I by 2 R आ रही है, दिख रही है आपको? दिख रही है? Yes, sir. तो अगर मैं ये बोलूं कि छोटे छोटे सारे करंट एलिमेंट का अगर कंट्रीब्यूशन सेम है, yes, sir. अगर छोटे छोटे सारे करंट एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन सेम है, तो अगर कोई मुझे ये बोले कि थीटा एंगल सबटेंड करता हुआ एक आर्क ले लो और उसका मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन बताओ, तो यूनिटरी मेथड हम लगा नहीं सकते हैं ना, कि अगर मैं बोलूं 360 डिग्री का जो टोटल लूप लेंथ है, 360 डिग्री का टोटल लूप लेंथ जो है, उसका फील्ड का कंट्रीब्यूशन इज म्यू नॉट आई बाय 2 आर, तो थीटा एंगल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा ये निकाल सकते हैं? यस। समझ आ रही है, यूनिटरी मेथड क्यों यूज कर रहे हैं आपको ये समझ आ रहा है? क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन एक ही है, अगर सबका कंट्रीब्यूशन एक नहीं होता तो आप ये काम नहीं कर सकते थे, समझ आ रही है? यस सर। एज ईच इंडिविजुअल इंडिविजुअल करंट एलिमेंट कंट्रीब्यूट्स टू सेम मैग्नेटिक फील्ड at center, we can apply unitary method to get field due to arc of a loop. अब वो कैसे निकालेंगे वो दिखा देता हूँ। So let us say ये हमारा
एक सर्कुलर लूप का आर्क दिखा रखा है एंड ये सर्कुलर लूप का आर्क सेंटर पे थीटा सबटेंड कर रहा है. दिस इज थीटा, दिस इज रेडियस आर एंड दिस इज सेंटर सी. तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि 360 डिग्री के लिए, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियस, ठीक है. इसके लिए आपको कितना फील्ड मिल रहा था, mu not I divided by 2R मिल रहा था. तो थीटा के लिए कितना मिलेगा, क्या लिखेंगे हम, mu not I divided by 2R into theta by 360 degree, ठीक है. ये थीटा आपको डिग्रीज में लेना है, ठीक है, इन डिग्रीज. अगर रेडियंस में ले रहे हो तो आपको 360 डिग्री को भी पाई मिले, 2 पाई में लिखना पड़ेगा. समझ आ रही है? Yes, sir. समझ आई आपको? Yes, sir. जैसे सेमी सर्कल हुआ, सपोज ये सेमी सर्कल होता तो सेमी सर्कल के लिए फील्ड आप क्या लिखते हो, हाफ ऑफ मी नॉट बाई टू आर, क्योंकि वो पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, हाफ ही तो है ना. Yes, sir. अगर क्वार्टर सर्कल होता तो क्या लिखते, वन फोर्थ ऑफ मी नॉट बाई टू आर. Yes, sir. गेटिंग इट? Yes, sir. ठीक.